अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड डूइंग फाइन। वी आर लाइव फॉर सेशन नंबर 18, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज ये बताते जाएं कि वॉइस और वीडियो क्लियर है। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर रहा हूँ। और कॉल्स के लिए भी मैंने जो है लिंक शेयर कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाउ आर यू गाइस? कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? और आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, सो अटेंडेंस आप लोग प्लीज सारे लगा लें, फिर मैं अपने सेशन का आगाज करता हूँ। जिसके लिए से भी मैंने पोस्ट शेयर की थी वहां पे, आप ग्रुप चेक करें। मैंने वहां पे पोस्ट शेयर की थी, वहां पे आपने शेयर करनी है। मुझे कमेंट्स पे टैग कर दिया करें, जब आप मैसेज करते हैं तो मैसेज अदर्स में चला जाता है, तो कभी कभी नहीं नजर आता। चले, उन इश्यूज को देखते हैं आज। मैं उन इश्यूज को एड्रेस करता हूँ, जो भी है हम उसको देखते हैं इंशाल्लाह। सो भी आपने ग्रुप में शेयर करनी है। अस्सलाम सर, पिक्चर को एक्सपेंड कैसे करते हैं? उसका कि पिक्चर को इटसेल्फ एक्सपेंड करने का भी एक तरीका होता है सर। एसईओ का अकाउंट है, 4.4 रेटिंग का, क्या करूं? न्यू बना लूं या रहने दो? शहबाज, आप ये बड़ी बहुत ज्यादा लेट पूछ रहे हैं मुझसे। ये आपको फर्स्ट वीक में पूछ लेना चाहिए था, जब मैंने गिग्स का डिटेल में बताया था कि अब मैं चेक करता हूँ। अब आप मुझे ना टैग, मुझे याद रहेगा, मैं जरा चेक करता हूँ आपका अकाउंट पहले, कि आपके अकाउंट में किस तरह की गिग्स बनी हुई है। आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं वैसे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, देखें, गिग जो डिजाइनिंग की है उसमें कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग की या कंटेंट राइटिंग की या इंग्लिश राइटिंग की कुछ इस तरह की या डेटा एंट्री की कुछ इस तरह की गिग्स बनाएंगे, जो कि जिसको हम कहते हैं आम जुबान में नॉन टेक्निकल फील्ड, यानी जिसमें ये राइटिंग वगैरह आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसमें जब आप गिग बनाओगे तो उसके लिए आपको टेस्ट पास करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने बताया था कि कुछ गिग्स होती हैं, उनके लिए आपको टेस्ट पास करना पड़ता है। सो अब क्योंकि हम मैं तो आप लोगों को डिजाइनिंग पढ़ाता हूँ, उसमें हमें टेस्ट की कोई जरूरत नहीं होती, तो मैं तो आपको वैसे ही रिकमेंड करता हूँ कि जस्ट गो फॉर डिजाइनिंग गिग्स। बट अगर आप लोग दूसरी गिग्स पे जा रहे हैं तो आप लोग को टेस्ट को पास करना पड़ेगा। आप लोग का अभी तक ये वाला इश्यू ही हल नहीं हुआ। ये मैंने इतनी दफा बताया कि आप लोगों ने किस तरह उसको अनग्रुप करना है और किस तरह यूज करना है। देखिए, फ्री पिक से ये एक चीज याद रखिएगा कि फ्री पिक से आप मुझे टैग कर देते भाई, टैग कर देते यार। इनबॉक्स में कभी कभार अदर्स में मैसेज चला जाता है। मैंने शुरू में कहा था कि आप लोगों ने टैग करना है मुझे। ठीक है, चल सकता है काम, उसको हम चला सकते हैं।
इट्स गुड। मैं इंशाल्लाह इम्प्रेशंस के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अभी जो टॉपिक कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद कि इम्प्रेशंस कितने होने चाहिए एक अच्छी गिग के। अच्छा, जो आप लोग की गिग के जो एरर आते हैं ना डिस्क्रिप्शन के, अब मैं जरा प्लीज अपने क्वेश्चंस थोड़े से संभाल के रखें, मैं उसको बस न्यू टॉपिक भी शुरू करना है। जो आप लोगों के क्वेश्चंस जो है ना, जैसे डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अब आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो, मैं जरा क्विकली आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख रहे हैं आप लोग, हेलो माय नेम इज सैफ, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, इसको जरा हम बड़ा कर लेते हैं। अब मसला ये आता है कि आप लोग ये डॉट के बाद गैप नहीं दे रहे, ठीक है। अब वो कहता है कि सैफ डॉट आई जो है, पता नहीं आपको लिंक शेयर करने लगे, क्योंकि होता है इस तरह, लिंक इसी तरह ही होता है ना, www.some.com जो भी है, ठीक है। तो इस तरह वो उनको लगता है कि आपको लिंक शेयर करने लगे, इसलिए आपके डिस्क्रिप्शन में वो एरर दे देता है, ठीक हो गया। तो ये तो एक चीज हो गई डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा एरर आता है। इसी तरह ये डॉट्स वगैरह या ये कॉमर्स वगैरह आप टैगलाइन में भी नहीं लिख सकते। ऑलराइट, सो ये इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना डिस्क्रिप्शन लिखते हो, इसी वजह से वो आप लोगों को एरर दे रहा। दैट इज अमेजिंग, क्योंकि आपको ऑर्डर पे क्लिक, आपको ऑर्डर पे रिव्यू पड़ा हुआ है, सो दैट इज वाई। क्या समझ नहीं आ रही आपको उस पे? लाइक इट्स अ सिंपल, मेरे ख्याल से मैंने फ्रीलांस के अकाउंट का वो शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। देखें, एक फॉर एग्जांपल गिग की जो लाइफ होती है ना, जरा ध्यान से सुन लें सारे। एक गिग की जो लाइफ होती है, फॉर एग्जाम्पल आपने गिग बनाई, आप उसको किस तरह टेस्ट करते हो, कितने दिनों में टेस्ट करते हो? आपने गिग बनाई फॉर एग्जाम्पल मंडे को, तो आपकी गिग की लाइफ 1 वीक की होती है, ठीक है। आप 1 वीक में आप लोग को पता लग जाता है मैक्सिमम कि आपकी गिग ऊपर जाने वाली है या आपकी गिग नीचे आने वाली है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपकी गिग में फॉर एग्जांपल 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन 200 से अगर 500 इम्प्रेशंस हैं, तो दैट मींस, वैसे तो 1,000 कहा जाता है, या 200 से 500 या 200 से 700 इम्प्रेशंस हैं, तो दैट मींस कि इट हैज सम काइंड ऑफ अ पोटेंशियल, यानी इसमें पोटेंशियल है कि आगे जा सकती है। फिर आप उसको जो है ना 1 हफ्ते के अंदर, मतलब आप डिलीट नहीं करते, आप कहते हैं लेट्स गिव इट अनदर चांस। 200 में थोड़ा कम कह रहा हूँ, आप समझ लें कि 500 तक अगर आपके इम्प्रेशंस नहीं गए, तो अगर आपके फॉर एग्जांपल 400-500 इम्प्रेशंस चले गए 1 हफ्ते में, तो आप फिर उसकी को थोड़ा सा और टाइम देते हो और आप कहते हो कि लेट्स गिव इट अनदर ट्राई, ये थोड़ा सा लोगों को दिखी है, थोड़ा सा लोगों ने इसको देखा है, और क्या कहते हैं इसको, हम लोग एक चांस दे सकते हैं। तो आप फिर उसको 1 हफ्ते का नहीं, फिर आप 3-4 दिन का और टाइम देते हो, फिर आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल इंप्रेशन अगर ऊपर जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये वाली गिग आपकी चल सकती है, तो उस वाली गिग को आप फिर संभाल कर रखते हो। दूसरा एक सिनेरियो ये है कि आपने एक गिग बनाई मंडे को ही, फॉर एग्जाम्पल आपने हफ्ता वेट किया, और हफ्ते बाद गिग के इंप्रेशन है सिर्फ 41 या 52 या 62, ठीक है, मतलब 100 भी नहीं क्रॉस किया, मतलब ये सिर्फ 100 है, तो वो वाली गिग जो है वो 1 वीक के बाद भी इतने कम जब उसमें इम्प्रेशन होंगे, तो क्या कहते हैं वो एक डेड गिग है, उसमें फिर आगे भी आप लोग के इम्प्रेशन नहीं आएंगे। ये 2 सिनेरियोज मैंने आप लोग को बताने थे कि इम्प्रेशन के आप लोग किस तरह जो है उसको इवेल्युएट करते हैं। और इम्प्रेशन बाय द वे ये चीज होती है कि आप लोगों को जो फाइवर है आपका, ठीक है, आपका जो गिग है वो किधर फर्स्ट पेज पर शो हो रही है या किधर शो हो रही है, बेसिकली
जितने ज्यादा इंप्रेशंस होते हैं उतने ज्यादा टॉप पेजेस पे आपकी एक शो होती है। तो इंप्रेशंस को इसलिए हम मानते हैं कि इंप्रेशंस की वजह से हमें आइडिया होता है कि हमारी गिग जो है वो किधर रिलाय कर रही है। इमेज सेव करने के साथ आर्टबोर्ड तो सेव होगा आपका, यानी आर्टबोर्ड तो आपका सेव होगा ही होगा, ठीक है। यानी आर्टबोर्ड को अगर आपने यानी दिखाना भी एक रिमूव हो तो वो आप फिलहाल आपको पीएनजी सेव करनी पड़ेगी, और पीएनजी में रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप जेपीजी में यूज करें। आपका यानी व्हाइट आर्टबोर्ड या पीछे कोई आप कलर आर्टबोर्ड के डालना चाह रहे हैं वो आपका शो होगा इमेज के साथ। अच्छा एनीवेज मैं टॉपिक की तरफ जाता हूँ, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस कार्ड डिजाइन। और आहिस्ता आहिस्ता अब हम जो है जो जितने भी आइटम्स हैं, जिस तरह बिजनेस कार्ड है, स्टेशनरी डिजाइन है, सोशल मीडिया किट है, उस तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। और उसी के दौरान हम कुछ टूल्स के बारे में भी सीखते जाएंगे, जिसके मैं आप लोग से ट्यूटोरियल शेयर करता जाऊंगा जिस जिस तरह हम उसको सीखते जाएंगे। और मतलब एक सर्विस हम पढ़ेंगे, उसके अंदर ही हम डिफरेंट टूल्स को पढ़ेंगे, और इसी तरह हमारा जो है इलस्ट्रेटर के टूल्स ये कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट अहेड। और सबसे पहले जो हम बिजनेस कार्ड डिजाइन जब बनाते हैं तो ऑब्वियसली अब उनको नाम दे दें। अच्छा बिजनेस कार्ड डिजाइन की प्रोफाइल क्या होगी? ऑब्वियसली बात है प्रिंट होगी, बिकॉज हम लोग ने बिजनेस कार्ड प्रिंट कराना होता है, और बिजनेस कार्ड का जो भी डिजाइन है वो हम प्रिंटिंग के लिए बनाएंगे। ओके सो यहां से जब भी हमने प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है तो प्रिंट की सिलेक्ट करनी है। और आर्टबोर्ड्स, बिजनेस कार्ड की कितनी साइड्स होती हैं? एक आपकी फ्रंट साइड होती है और एक आपकी बैक साइड होती है। तो आपके आर्टबोर्ड्स कितने होंगे? आपके आर्टबोर्ड्स दो होंगे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि आर्टबोर्ड्स का फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिंग और कॉलम्स को आप लोग ने ना भी छेड़े तो इट डज नॉट मैटर, बिकॉज यू कैन चेंज इट लेटर ऑन। स्पेसिंग होती है बेसिकली दो आर्टबोर्ड्स जो बनते हैं, ठीक है, इस तरह अगर दो आर्टबोर्ड्स बनेंगे उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है, दैट्स इट। साइज आपने क्या रखना है? साइज इसका एक स्टैंडर्ड साइज, एक यूनिवर्सल साइज होता है बिजनेस कार्ड का, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप में से किसी ने बनवाए तो आप भी इसको जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं भी जानते तो कोई मसला नहीं, आई एम हेयर टू टेल यू। लेकिन बिफोर वी पुट इन आवर साइज, हम लोग सबसे पहले इंचेस में कर लेंगे अपने यूनिट को। मैंने आप लोगों को कहा था कि प्रिंटिंग में जब भी हम लोगों ने काम करना है तो हम लोगों ने कोशिश करनी है यूनिट रखें इंचेस, और जब वेब में काम करना है तो हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम यूनिट रखें पिक्सल्स। सो इंचेस विड्थ में और हाइट में आ गया। अब विड्थ कितने इंचेस है, मतलब अगर हम कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड बनाते हैं वो अक्सर इस तरह होते हैं, इस तरह के दिखते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो उनका क्या स्टैंडर्ड एक साइज होता है जो चलता है मार्केट में, यूएस मार्केट में या दुनिया के किसी भी मार्केट में क्या चलता है, तो वो हम देखते हैं। तो वो जो साइज चलता है वो चलता है 3.5 उसकी विड्थ होती है और 2 इंचेस उसकी हाइट होती है। ये एक बेसिक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल साइज है। इसके अलावा भी बहुत सारे साइजेस हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर तो कोई क्लाइंट आपको साइज खुद स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो यूजली उसको इसी साइज में बनाकर दिया जाता है, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल साइज, कॉमन साइज, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। तो यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि साइज आपने किस तरह रखना है। इंचेस हमने रख लिया, ओरिएंटेशन ऑब्वियसली लैंडस्केप रखे हैं, बिकॉज आपका कार्ड इस तरह आप बनाना चाह रहे हैं। आप वर्टिकल फॉर्म में भी कार्ड बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ये देखें, जब वर्टिकल फॉर्म में बनाऊंगा तो विड्थ जो हाइट वाली अमाउंट थी वो विड्थ में चली गई और विड्थ वाली अमाउंट हाइट में आ गई, बिकॉज वो इधर से इस तरह हो गया, बट हम लोग इसको लैंडस्केप ही रखेंगे। नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लीड, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम बिजनेस कार्ड पढ़ेंगे तब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को छेड़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली कॉन्सेप्ट ब्लीडिंग का ये है कि जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड एक ऐसी आइटम है जो कि बल्क में प्रिंट होती है, एक बड़ी मशीन में प्रिंट होती है,
इसी तरह फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्स एक ऐसी आइटम है जो कि बड़ी मशीन में प्रिंट होती है, बहुत सी प्रिंटिंग आइटम्स है, टी शर्ट हो गई फॉर एग्जाम्पल, जो जो चीजें बल्क में होती है, वेडिंग कार्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी इस तरह के आपके प्रिंटेबल्स हो सकते हैं, इनवॉइसेस हो गई, ओके सो ये सारी चीजें आपकी बल्क में प्रिंट होती हैं। तो जब ये बड़ी मशीन में बल्क में प्रिंट में जाती है तो ये बड़ी मशीन हमेशा ना आपका एक्स्ट्रा थोड़ा सा वाइट कलर का ना प्रिंट कर देती है, यानी साइड्स पर। आप लोगों ने ये थोड़ा सा देखा होगा, अगर आप में से किसी ने कभी अपने सामने फ्लेक्स प्रिंट कराई हो फ्लेक्स जब आप प्रिंट कराते हैं तो उसके फ्लेक्स के थोड़े से साइड प्रिंट होता है और उसको वो कट करके आपको देते हैं, ऐसे ही है। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली ये होता है कि आप प्रिंटर जो है वो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग कर देता है, यानी ब्लीडिंग यानी थोड़ा सा बाहर को निकल जाता है। तो और हमेशा जब भी वो एक्स्ट्रा प्रिंट करता है वो सफेद कलर का ही करता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, हमारे पास बिजनेस कार्ड है, जी मैंने नेट चेंज किया है, अब आपको सबको वॉइस क्लियर आ रही है? इमरान अभी मैंने इसको डिटेल में बताया है, आप मेरे हाल से क्लास में मिस कर जाते हैं चीजें। अच्छा देखें लेक्चर्स अभी भी क्लियर नहीं है, ओके देखें ये लेक्चर्स डिलीट करने वाली ये रिक्वेस्ट मैं अगर मेरी इख्तियार में होता तो मैं कभी भी ना डिलीट करता, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव टू डिलीट इट बिकॉज लोग इसको जो है क्या कहते हैं मिसयूज करते हैं इन वीडियोस का और फिर हमें मसला होता है आगे। सो एनीवेज तो यहाँ पर अभी तक हम लोग ब्लीड के कॉन्सेप्ट पे पहुंचे थे और मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि फॉर एग्जांपल इफ यू टाइप इन बिजनेस कार्ड, तो फॉर एग्जांपल ये आपका बिजनेस कार्ड है काले रंग का, ठीक है, काले और ऑरेंज रंग का। तो ब्लीडिंग में पता है क्या होता है, ब्लीडिंग में होता है कि जब आपका ये प्रिंट होता है ये बिजनेस कार्ड तो इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ थोड़ा सा, यानी चारों तरफ सफेद सफेद रंग का ना एक्स्ट्रा प्रिंट हो जाता है, फिर उनको कार्ड कट करके देने पड़ते हैं आपको, यानी बैलेंस करके देने पड़ते हैं, उनके वो मशीन होती है वो इस तरह यानी मारते हैं और फिर वो कार्ड उनके कट होते हैं। तो फिर वो होता क्या है कि जब वो आपका एक्स्ट्रा व्हाइट कलर का प्रिंट होता है तो जब आप कट करते हैं किसी काला कार्ड है आपका और आपका व्हाइट कलर का एक्स्ट्रा प्रिंट हुआ है तो यहाँ पर उसके एजेस दिखने के चांसेस हो सकते हैं, सफेद एजेस दिख रहे हैं, सफेद पार्ट्स दिख रहे हैं तो वो बुरे लगते हैं। हाँ अगर आपका सफेद कलर का बिजनेस कार्ड है तो फिर दैट इज फाइन, लेकिन अगर आपका कोई कलर वाला बिजनेस कार्ड है तो फिर आपके, आपने देखा होगा कुछ लोग अगर आपको बिजनेस कार्ड पकड़ाते हैं तो उनके जो है ना कटिंग सही नहीं होती बिजनेस कार्ड की, आपको व्हाइट एजेस नजर आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्लीड, ठीक है। तो वॉट इफ अगर हम लोग बेसिकली ये ब्लीड का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि जो हमारी फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर है, जब भी किसी बायर ने किसी प्रिंटर से प्रिंट कराना है तो उसकी एक चीज है कि ब्लीड तो एक्स्ट्रा प्रिंट होगी ही होगी बिकॉज वो प्रिंटर है, उसने प्रिंट करनी है। लेकिन व्हाट इफ अगर हम ये कहें कि जो ब्लीड एक्स्ट्रा प्रिंट हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया वो हमेशा सफेद कलर की होती है, फॉर एग्जाम्पल जो ब्लीड प्रिंट हो रही है एक्स्ट्रा वो हमेशा सफेद कलर की प्रिंट होती है, तो व्हाट इफ अगर वो सफेद कलर की प्रिंट ना और उस कलर की प्रिंट हो जिस कलर का हमने बिजनेस कार्ड बनाया है, फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर की या ऑरेंज कलर की, ठीक है,
उस कलर की प्रिंट हो जिस कलर का हमने बिजनेस कार्ड बनाया है, तो फिर जब हम कट करेंगे तो फिर हमें क्या व्हाइट एजेस नजर आएंगे? तो उसका आंसर है नो. तो दैट इज व्हाई हम लोग ब्लीड खुद ऐड कर देते हैं व्हेन वी मेक द डिजाइंस. ठीक है, तो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया होगा. अभी अभी भी मतलब अगर 20% भी आप लोगों ने ग्रैब किया तो अभी आप लोग जब ये बनाता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा. यहां तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. नेम वगैरह रख लिया, आर्टबोर्ड तो रख लिए, साइज रख लिया 3.5x2, लैंडस्केप पे रख लिया, और ब्लीड हम लोगों ने यहां से ऐड करनी है. अब जब भी ऐड करनी है तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ आपका ताला लगा हो, इस तरह टूटा हुआ ना हो, लगा हो. और आप लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट ऊपर करना और 0.125 ब्लीड आपकी हर जगह ऐड हो जाएगी, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ 0.125. अभी 0.125 इंचेस क्यों हम ऐड करें? बिकॉज ये एक यूनिवर्सल साइज है, एक स्टैंडर्ड साइज है, जो कि मैक्सिमम प्रिंटर्स जो हैं दुनिया में वो इतनी ही ब्लीड रखते हैं. अगर तो कोई और ब्लीड होगी कोई प्रिंटर की तो वो आप फॉर एग्जांपल आपको बायर आपका बता देगा कि भाई मेरा जो प्रिंटर है वो इसमें इतनी ब्लीड का ऑप्शन आ रहा है, तो वो आपको वो इंचेस में बता देगा. लेकिन जो यूनिवर्सली चलता है वो यही चलता है, दैट इज 0.125. सो कलर मोड आप लोग ने बेसिकली CMYK रखना है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग प्रिंटिंग में काम कर रहे हैं तो CMYK रखेंगे. रास्टर इफेक्ट्स आप लोगों ने 300 PPI रखना है. प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट अलाइन टू न्यू ऑब्जेक्ट्स आपने इसको अनटिक कर देना एंड देन यू विल प्रेस ओके. ये आपका सारा सेटअप है बेसिकली बिजनेस कार्ड का. Now this is what you have got, एक आर्टबोर्ड दूसरा आर्टबोर्ड, और यहाँ पर आपको लाल रंग की एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है. बेसिकली ये आपका आर्टबोर्ड है, यहाँ से सफेद लाइन तक ये आपका आर्टबोर्ड है, ये आपको एक्स्ट्रा लाइन नजर आ रही है. बेसिकली इलस्ट्रेटर कह रहा है कि वाई नॉट के आप एक्स्ट्रा डिजाइन बनाकर ही उसको भेज दें. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट दे रहा था कि आप लोगों का बिजनेस कार्ड का बैकग्राउंड है फॉर एग्जाम्पल रेड कलर का, तो आप लोग जब आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड डिजाइन बनाएंगे ठीक है, ये आप लोगों ने बिजनेस कार्ड का बैकग्राउंड रख लिया और आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इसी बैग और यहां पे इसका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है. ठीक है, और आप डिजाइन बनाकर आप लोगों ने भेज दिया. इस पे जो भी डिजाइन बना हुआ है बिजनेस कार्ड का वो हम देखेंगे कि किस किस तरह बनता है डिजाइन और सारा सब कुछ. ठीक है, इस पे जो भी डिजाइन बना हुआ है वो हमने उसे बनाकर भेज दिया. ठीक है, जो भी डिजाइन बनाया है हमने वो हमने से बनाकर भेज दिया. अब होगा क्या कि ये जो आप लोगों को एक्स्ट्रा जो एरिया नजर आ रहा है यहां से यहां तक, जब उसके पास जब वो प्रिंट करेगा ना इस फाइल को, तो वो किस तरह प्रिंट होगा मैं आपको दिखाता हूँ. इस तरह प्रिंट होगा, यानी यहां से यहां तक ऑटोमेटिकली जो है ना व्हाइट कलर की जो है ना एक्स्ट्रा प्रिंटिंग हो जाएगी. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब वो कट करेगा इस, जब वो प्रिंट कर लिया ये एक्स्ट्रा प्रिंट हो गए, फिर उसने क्या करना है, उसके ऊपर मशीन होगी वो यहां से कट करना शुरू करेगा इसको, ताकि बिजनेस कार्ड का जो एक्चुअल साइज है वो निकले. तो जब उसको कट करेगा फॉर एग्जाम्पल, अब ये येलो कलर है ये व्हाइट कलर है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा येलो ब्राइट कर देता हूँ, तो जब वो कट करेगा तो फिर ना व्हाइट एजेस रह जाते हैं. ठीक है, व्हाइट एजेस रह जाते हैं जब वो कट करेगा, और वो बुरे लगते हैं, वो अनप्रोफेशनल लगते हैं, वो नीट नहीं लगते. तो हम लोगों ने फिर ये जो इस तरह हम लोगों ने बैकग्राउंड ऐड किया था आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड, दिस इज रॉन्ग. व्हाट इफ अगर हम इस तरह बैकग्राउंड ऐड कर दें पूरा ब्लीड टू ब्लीड, नॉट आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड बट आपकी जो ब्लीड की लाइन आ रही है, ठीक है, जो आपकी ब्लीड की लाइन आ रही है उधर से लेकर अब इधर तक, अभी आपने जो कलर आपके बैकग्राउंड का था वो आपने पूरा ब्लीड टू ब्लीड ऐड कर दिया. अब जब प्रिंटिंग होगी तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया था ये सफेद कलर का प्रिंट नहीं होगा, अब किस कलर का प्रिंट होगा, येलो कलर का प्रिंट होगा.
जो कि एक्चुअल बैकग्राउंड का कलर भी है। तो अब वो जब कटिंग करेंगे तो अब जो एजेस हैं वो नजर अगर आ भी जाए तो वो ब्लेंड हो जाएंगे आपस में, वो यानी दे वुड नॉट लुक रियली रियली बैड, अनलाइक कि अगर आपका वाइट कलर का जो है ना ब्लीड एरिया प्रिंट होता। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी एड ब्लीड एरिया इन द डिजाइन। हम कहते हैं हम आपको एज अ डिजाइन ही वैसा बनाकर आपको भेज देते हैं कि जो एक्स्ट्रा एरिया आपके प्रिंटर ने प्रिंट करना है वो हम उसमें पहले से ही अपना कलर डालकर दे देते हैं आपको, ताकि आपका व्हाइट कलर उसमें ना आए। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ब्लीड का। अब बिफोर वी मूव टूवर्ड्स एनीथिंग फॉरवर्ड, तो मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग को ब्लीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि नहीं, और क्या क्लियर हुआ है। कलर मैंने सिंपली शेप से ऐड किया है, ये स्क्वायर शेप से मैंने ऐड किया है कलर। ठीक है, स्क्वायर शेप लिए, कलर यहां से सिलेक्ट किया, एंड देन यू कैन ऐड एनी कलर। जो आर्टबोर्ड का कलर है वो आप उसको स्क्वायर शेप से ही आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप लोग प्लीज बताएं कि इसमें आप लोगों को क्या क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं। ऐसा कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज ब्लीड? ब्लीड जीरो नहीं हो सकती, जीरो इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज देखें मैं आप लोग को वही चीज बता रहा हूं ना कि ब्लीड जो है जब आप किसी बड़े प्रिंटर पे कोई चीज प्रिंट करते हैं तो आपका बड़ा प्रिंटर हमेशा जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिंट करता है। आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कभी फ्लेक्स आप लोग प्रिंट कराएंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हमेशा ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेक्स प्रिंट होता है सफेद कलर का, उन्हें फिर आपको कट करके देना पड़ता है। तो अब वो जो एक्स्ट्रा प्रिंट है, मैं नहीं चाह रहा कि वो व्हाइट कलर का प्रिंट हो, मैं चाह रहा हूं कि जो हमारा बैकग्राउंड है उसी कलर का ही प्रिंट हो जाए, ताकि जब कटिंग हो तो हमारा जो एजेस हैं वो बुरे ना लगे, चाहे वो फ्लेक्स के हों, चाहे वो वेडिंग कार्ड के हों, चाहे वो बिजनेस कार्ड के हों, जो भी आप प्रिंटेबल चीज बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा ब्लीड एमएम में नहीं हो सकती, हो सकती है। आप अगर एमएम में डिजाइन बना रहे हैं मिलीमीटर में, तो ब्लीड आपकी 0.125 इंचेस को आप कन्वर्ट कर लें, 0.125 को आप कन्वर्ट कर लें इंचेस में। ठीक है, तो इतनी मिलीमीटर आपकी बन जाएगी ब्लीड, इतनी आप मिलीमीटर में आप ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एरिया ऑफ फ्लेक्स एंड या एक्स्ट्रा एरिया, हाँ अमाउंट ऑफ एरिया दैट फॉल आउट ऑफ आर्टबोर्ड। और ये आप लोग याद रखना है, जब भी आपकी बड़ी मशीन में कोई प्रिंटिंग होती है बल्क में, तो उसमें अमाउंट ऑफ एरिया एक्स्ट्रा हमेशा प्रिंट होता है ये वाला। यस, ऑलराइट, सो ये तो हो गया हमारा ब्लीड का कॉन्सेप्ट। ये आप लोग ने एक चीज याद रखनी है कि दिस इज द राइट वे, अगर आपका बैकग्राउंड कलर येलो कलर का है तो आप लोग ने ब्लीड टू ब्लीड ऐड करना है, रादर के आप इसको आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड ऐड करें। एक चीज आप लोग ने ये चीज ध्यान में रख लेनी है, आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड कलर नहीं रखना आपने, ये जो ब्लीड एरिया खाली नहीं छोड़ना, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, वरना इसमें जब प्रिंटर के पास ये फाइल जाएगी वो कमांड देगा प्रिंटिंग की, तो जब प्रिंट होगा तो यहां पर ये जो ये लाल रंग की हमने एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है इसमें सफेद कलर ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते, हमारा काम ये है कि जो एक्स्ट्रा प्रिंट अगर हो रहा है हम उसको तो नहीं रोक सकते,
लेकिन हाँ अगर एक्स्ट्रा प्रिंट हो तो वो इसी कलर का हो जो पीला कलर है, ताकि अगर एजेस कट हों तो इसी कलर के एजेस कट हों। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कहते हैं मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट। मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिस तरह एक बिजनेस कार्ड है, बिजनेस कार्ड में जो भी डिजाइन आप लोगों ने बनाना है या जो भी हम लोगों ने डिजाइन फॉलो करना है इस पे, वो एक यानी अलाइनमेंट के तहत बनता है। उसमें एक थोड़े से रूल्स हम फॉलो करते हैं, मार्जिन्स वाले रूल्स फॉलो करते हैं, जो कि हमारे बिजनेस कार्ड को थोड़ा सा एक गुड लुकिंग और रीडेबल बनाती है। देखिए बिजनेस कार्ड की सबसे बड़ी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि बिजनेस कार्ड जो है वो रीडेबल आपको होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस कार्ड रीडेबल नहीं है तो आपका फॉर एग्जांपल फायदा ही नहीं बिजनेस कार्ड का। बिकॉज अगर कोई बंदा आपका बिजनेस कार्ड पकड़ के देखता है और कहता है अच्छा व्हाट इज दिस, तो अगर उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसमें क्या चल रहा है और वो बेचारा ढूंढता ही रहा है, अपने सर सीधा करे, कभी इधर करे बिजनेस कार्ड की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए, तो फिर बिजनेस कार्ड डिजाइन का कोई फायदा नहीं। सो मार्जिन्स का कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी डिजाइन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डिजाइन देख सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जो भी आप लोगों ने डिजाइन बनाया है, फॉर एग्जांपल फॉन्ट अंदर लिखा है आपने, अंदर फॉर एग्जांपल लोगो अंदर डाला है, उसके वो बिल्कुल आपके कॉर्नर टू कॉर्नर अटैच नहीं है। उसके यहाँ पे इस तरह इधर इधर एक ब्रीदिंग स्पेस है, यानी नेगेटिव स्पेस है बेसिकली। आप थोड़ी सी आप लोगों ने स्पेसिंग छोड़ी हुई है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जिस तरह हम लोग लोगो बनाते हुए भी स्पेसिंग छोड़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मार्जिन्स की मदद से स्पेसिंग छोड़ेंगे और बेसिकली हम मार्जिन्स बना लेंगे इनसाइड के। हम लोगों ने अपना जो भी इनसाइड डिजाइन है वो हमने इस एरिया से बाहर नहीं लेकर जाना। ओके सो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम लोग मार्जिन्स बना सकते हैं। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू मार्जिन्स, मैं आप पहले कंट्रोल प्लस आर दबा लें, बिकॉज मार्जिन्स हम लोग जो है वो गाइड्स की मदद से ही हम लोग बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज हम लोग गाइड्स की हेल्प से जो है ना यानी गाइड्स को रखेंगे और स्पेसिंग जो है करेंगे जो हम लोग ने मार्जिन्स की करनी होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक लेफ्ट जो हमारी वर्टिकल गाइड है इसको मैं लेकर आता हूँ, ठीक है, इसको मैं लेके आया, यहाँ पर मेरा 300 जूम है। आप लोग ने जब भी गाइड्स इस्तेमाल करनी है एक चीज याद रखिएगा कि जूम आपने एक ही रखना है, क्या, ताकि आप लोगों को यहाँ से यूनिट एक ही नजर आए। फॉर एग्जांपल अभी यहां से यहां तक करने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल इधर से मैंने 1, 2, 3 पॉइंट ऐड किया, ठीक है, यहां से 3 पॉइंट ऐड कर लिया। अब इधर से भी एग्जैक्टली मैंने 3 पॉइंट ऐड करने, लेकिन मैंने क्या गलती की, यहाँ पर 300 जूम है, मैंने फिर जूम आउट कर लिया गलती से और इस तरह कर लिया। अब यहां से मैंने 3 पॉइंट ऐड कर लिया, तो ये इक्वल नहीं होंगे, ये 150 जूम के और जो 300 जूम के 3 पॉइंट से इक्वल नहीं। आप देख सकते हैं यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वालिटी नहीं है। तो जब भी आप लोग ने इस तरह मार्जिन ऐड करने हो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आपने एक ही जूम में एंटर करना है। क्या था वैल्यू? 300 वैल्यू थी जूम की, सॉरी ये बार 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 आ जाता है, ठीक है, 300 वैल्यू थी जूम की, तो आपने एक ही वैल्यू रखनी जब आप लोग ने मार्जिन ऐड करने। अब यहां से फॉर एग्जांपल मैं गाइड जो है 3 पॉइंट ऐड करता हूं, 1, 2, 3, आप ये देखें इक्वल है। इसी तरह हॉरिजॉन्टली मैं 1, 2, 3, 3-3 पॉइंट्स हमने गाइड को ऐड कर दिए। एक दो तीन, और बाय द वे ये आप लोगों ने आर्टबोर्ड से शुरू करना, ट्रिम से नहीं शुरू करना, ठीक है। आर्टबोर्ड से आप लोगों ने 3-3 पॉइंट्स इस तरह रख लेने, 300 जूम पे आप रख सकते हैं, या अपनी मर्जी से 4 पॉइंट्स भी, अगर आप ज्यादा रखना चाहें तो आप 4 पॉइंट्स भी रख सकते हैं।
सो इसी तरह यहां पर ये ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली ऐड हो चुके हैं। इसका मैं कलर थोड़ा सा जरा एक दो तीन, इस तरह आपके बेसिकली मार्जिन्स यहां पर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब मार्जिन्स ऐड करने का मकसद क्या है? आप कह रहे हैं सर हमने क्यों ये ऐड कर लिया, इसका क्या फायदा है? बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिजनेस कार्ड के जो है ना एलिमेंट्स का, या बिजनेस कार्ड में जो कंपोनेंट्स होते हैं पहले उसका मैं आप लोगों को जायजा दे दूं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड में क्या क्या चीजें होती हैं और उन क्या क्या चीजों के क्या क्या रूल है बनाने के। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्लैंक कार्डबोर्ड बना लेता हूँ, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस कार्ड। ठीक है, नंबर वन एलिमेंट जो बेसिकली बिजनेस कार्ड का है या कंपोनेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, कंपोनेंट इसको कह लें ज्यादा बेहतर लफ्ज है। ठीक है, नंबर वन कंपोनेंट आता है बैकग्राउंड डिजाइन। Now, what is a background design? Background design basically वो डिजाइन होता है जिस तरह अगर आप लोग को यहाँ पर मैं दिखाऊं, जिस तरह ये आप लोग को नजर आ रहा है, ये डिजाइन आप लोग को नजर आ रहा है, या कोई कलर ऐड हुआ हुआ है, या पीछे कोई डिजाइन ऐड हुआ हुआ है, या कोई डिजाइन बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड बैकग्राउंड डिजाइन। चलो यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड डिजाइन। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ बैकग्राउंड डिजाइन? मस्ट बी फ्रॉम ब्लीड टू ब्लीड। इसका एक रूल है कि ये वाला जो डिजाइन है, जब भी आपको डिजाइन बनाना है तो ये ब्लीड टू ब्लीड तक होना चाहिए, यहां से यहां तक। एंड इसकी सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इट इज नॉट बाउंड टू बी डिजाइंड इनसाइड मार्जिन्स, यानी बैकग्राउंड डिजाइन जो है आपका वो बाउंड नहीं है कि वो मार्जिन्स के अंदर डिजाइन हो। बिकॉज आपका बैकग्राउंड डिजाइन तो ब्लीड टू ब्लीड डिजाइन होता है, तो वो तो मार्जिन से बाहर निकल गया। ठीक है, लगी समझ? सो ये आपका बैकग्राउंड डिजाइन एक पहला मेन कंपोनेंट। दूसरा आपका फोरग्राउंड डिजाइन है। फोरग्राउंड का मतलब होता है जो आगे होता है, ठीक है, जो फ्रंट पे होता है, बैकग्राउंड जो बैक पे होता है। तीसरा आप फोरग्राउंड डिजाइन आपका कौन सा है? जो कि आपका लोगो है, जो कि आपका टेक्स्ट है, जो कि आपके आइकन्स हैं, ये आपका फोरग्राउंड डिजाइन है। ठीक है, जो आपका कंपनी लोगो है, ये जो आपका टेक्स्ट है, ये आपका फोरग्राउंड डिजाइन है। जो आपके पीछे जो शश के चल रहे हैं ये वाले डिजाइन के, ये आपके बैकग्राउंड है। ठीक हो गया, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? मस्ट नॉट बी, इट शुड नॉट बी फ्रॉम ब्लीड टू ब्लीड, एंड इट इज बाउंड, और ये बाउंड होता है कि इसको डिजाइन किया जाए इनसाइड मार्जिन्स। मेरे तरह अजान हो रही है तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, फिर आपको कंटिन्यू कर लेता हूँ हम लोग। मैंने जूम किया हुआ है, आई गेस आप लोगों को सबको नजर आ रहा होगा।
ओके आर्टबोर्ड बहुत स्मॉल बना है, बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत स्मॉल बनाना है, बिकॉज बिजनेस कार्ड आपका इतना छोटा सा होता है, तो आर्टबोर्ड भी आपका छोटा सा ही बनेगा। सो यस गाइस, आई होप आप लोगों को यहाँ तक ये वाले कंपोनेंट्स का आइडिया हो गया होगा कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। इसके जरा कलर मैं आप लोगों के लिए चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा ये आपके कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस कार्ड है, फोरग्राउंड डिजाइन एंड बैकग्राउंड डिजाइन। तो बैकग्राउंड डिजाइन ये होते हैं जो आपके, फॉर एग्जांपल कोई भी आप लोग ने कोई शिशकॉलर डिजाइन बनाया है तो वो आपका बैकग्राउंड डिजाइन हो गया, और फोरग्राउंड डिजाइन जो आप फ्रंट पे लोगो वगैरह रखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं लोगो बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बना लेते हैं, लाइक एनी एनी लोगो। आई कैन जस्ट डिजाइन समथिंग विथ शेप्स। मैं पाथफाइंडर का कॉन्सेप्ट अगर इस्तेमाल करूं, तो बुरा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक शेप आ गई है, बैकग्राउंड में व्हाइट रखता हूँ। अच्छा, जो आपका फॉर एग्जाम्पल मैं एक लोगो बना लेता हूँ, मैं इसको कह लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल इस लोगो को हम कह लेते हैं ठीक है, इस लोगो को हम नाम दे देते हैं अम्ब्रेला एकेडमी का। जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर आप कोई नीचे इस तरह फॉन्ट लिखते हैं तो उसको आप थिन कर लें, ऊपर वाले फॉन्ट को आप थोड़ा सा बोल्ड कर लें। जब भी आप लोगो बनाएं, ये मैं आप लोग को हायरार्की का जो कॉन्सेप्ट बताया था वो इसमें अप्लाई होता है काफी ज्यादा, कि आपका जो मेन ऊपर वाला जो ब्रांड नेम है वो आपका वो बोल्ड हो सकता है, बड़ा हो सकता है, नीचे वाला जो है फॉन्ट आप उसको थिन कर लें ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो, एक हायरार्की क्रिएट हो, और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। आपका काइंड ऑफ एक लोगो बन गया है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये आपका लोगो बना है।
सो दिस इज योर लोगो, ठीक है। अब आपका ये जो लोगो है, आप ये जो बैकग्राउंड डिजाइन है, अगर आपने कोई बनाना है तो आप फॉर एग्जाम्पल कुछ बना सकते हैं। मैं रेंडमली आप लोग डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल बिजनेस कार्ड की जो है ना, आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं बिजनेस कार्ड की। शेप से रिलेटेड, और मैं भी आपको वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आपको वेक्टर बेस्ड बिजनेस कार्ड्स की शेप्स मिल जाएंगी। लेकिन आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप अपनी भी रैंडम भी शेप्स बना सकते हैं पेन टूल से या किसी शेप टूल से जिस तरह यहाँ पर बनी हुई है, और आप बिजनेस कार्ड के डिजाइन उस तरह बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि आपका जो लोगो कलर होता है, बेसिकली आपने उसी कंसिस्टेंसी को बेस रखते हुए अपने बिजनेस कार्ड के अंदर कलर्स ऐड रखने होते हैं। आप ये नहीं कि आपका बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल, आपने फोरग्राउंड आपका हमेशा जो होता है ना, यानी फ्रंट, यानी ये आपका फ्रंट बिजनेस कार्ड डिजाइन है, ये आपका बैकग्राउंड है, ये दो आपके आउटपुट्स हैं, ये आपका बैकग्राउंड है, ये आपका फ्रंट है। फ्रंट मोस्टली जो होता है ना वो आपका व्हाइट कलर का ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट एक ऐसा डिजाइन होता है जो कि बायर ने किसी ने भी देखना होता है। तो आपका फ्रंट डिजाइन जो है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए ताकि आपका वो क्लियरिटी के साथ नजर आए। आपका बैकग्राउंड डिजाइन जो है वो किसी डार्क कलर का हो सकता है, जो जो आपके लोगो के अंदर एडेड है कलर। फॉर एग्जाम्पल ये पर्पल कलर का लोगो था तो मैंने व्हाइट कलर का फ्रंट डिजाइन चूज किया और इस कलर को मैंने बैकग्राउंड के लिए चूज कर लिया। तो कलर्स मैंने वही स्कीम रखी है। हाँ, मैंने व्हाइट को चूज किया बिकॉज व्हाइट और ब्लैक कलर ऐसे कलर हैं जो कि किसी के साथ भी जाके जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, न्यूट्रल कलर्स हैं। आपने जब भी कलर स्कीम रखनी है वो लोगो वाली ही रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ये मैं वैसे कोई एक डिजाइन सा बना रहा हूं। Just to give a perspective, ये मैंने डिजाइन से बना लिया और बैकग्राउंड डिजाइन में ये आ गया। अब मैं अपना जो है क्या कहते हैं, हम लोगों ने अपना लोगो प्लेस करना है। मेक श्योर, वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा लोगो जो है वो इस मार्जिन के अंदर रहे, ठीक है। नंबर वन चीज, आपके इस मार्जिन के बाहर नहीं जा सकता, यहां तक आर्टबोर्ड तक नहीं जा सकता, इस मार्जिन के बाहर नहीं जा सकता। जो आपने मार्जिन सेट किया आपने अपना लोगो उसके अंदर रखना है, बिकॉज लोगो इज अ पार्ट ऑफ अ फोरग्राउंड डिजाइन, ठीक है। फोरग्राउंड डिजाइन में आपका बेसिकली ये चीज आ जाती है ना, लोगो आ जाता है आपका, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी आ जाती हैं, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाती हैं फोरग्राउंड डिजाइन में। बैकग्राउंड डिजाइन में आपका ये पैटर्न्स वगैरह फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न डिजाइन वगैरह ये चीजें उसमें आ जाती हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने लोगो प्लेस कर लिया। लोगो को थोड़ा सा मैं जरा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। उसके बाद आप लोग ने इंफॉर्मेशन प्लेस करना शुरू करनी है। इंफॉर्मेशन में क्या आता है, बिजनेस कार्ड में क्या इंफॉर्मेशन आती है, अब उस पर जरा थोड़ा सा हम नजर डालते हैं, नजर दौड़ाते हैं। बिजनेस कार्ड, एक तो बिजनेस कार्ड की इटसेल्फ में एक चीज बताऊं, बिजनेस कार्ड जितना सिंपल लगे उतना अच्छा है, ठीक है। नंबर वन चीज, वैसे इसमें पर्पल कलर यूज नहीं होता लेकिन क्योंकि लोगों में पर्पल कलर यूज किया हुआ तो हम लोग पर्पल कलर यूज कर रहे हैं। बिजनेस कार्ड एक इंतहाई सिंपल लुकिंग प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन होता है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या दी जाती है कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं अम्ब्रेला अकेडमी में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ तो अम्ब्रेला अकेडमी का लोगो आ गया जो कि यहाँ पर आ गया, उसके साथ साथ मेरा अपना फुल नेम आएगा, ठीक है, कि मेरा नाम क्या है, क्योंकि मैं अपना इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ ना किसी और को। उसके अलावा मेरा प्रोफेशन आएगा कि मैं अम्ब्रेला एकेडमी में क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्या हूँ, वो मेरी पोजीशन आ जाएगी। उसके अलावा मेरी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, मेरी अपनी पर्सनल या मेरे ऑफिस की, जो सिर्फ मेरी पर्सनल है या सिर्फ मेरे ऑफिस की है, वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स इधर आएंगी।
ऑफिशियल ऑफिस की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो नहीं आएंगी, जो कि पूरे ऑफिस की एक कॉन्टेक्ट डिटेल है वो नहीं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी का टीचर है, उसने फॉर एग्जाम्पल लम्स का जो है ना टीचर है, उसने अपना बिजनेस कार्ड बनवाया है, यहाँ पे लम्स का लोगो है, ऊपर उसका नाम आएगा, उसका प्रोफेशन आएगा कि वो कौन सा टीचर है, साइकोलॉजी का टीचर है, फिर नीचे उसके अपने नंबर आएंगे, वो लम्स के रजिस्ट्रार ऑफिस का नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, यू नो, हम कोई यहाँ पे डिजाइन लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले आया आप लोग को रेफरेंस देने के लिए। इसमें देखें आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या क्या आती हैं, जो कि आप ऐड करते हैं, आपका सिटी एड्रेस, आपकी लोकेशन क्या है, आपके फोन नंबर्स क्या हैं, आपकी ईमेल क्या है, आपकी वेबसाइट क्या है। ये चार बहुत बेसिक हैं, ये चार बहुत बेसिक डिटेल्स हैं जो किसी भी बिजनेस कार्ड में होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपका एड्रेस क्या है, आपका फॉर एग्जाम्पल ऑफिस एड्रेस क्या है, आपका जो भी आप काम करते हो उसका एड्रेस क्या है। अगर तो आपका ऑनलाइन काम है तो आप अपना फॉर एग्जांपल वेबसाइट एड्रेस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका फोन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपकी कोई और वेबसाइट है तो वो क्या है। तो अब ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इसलिए मैंने राउंड कर दिया बिकॉज इसका अम्ब्रेला से रिजेंबल कर रहा। अच्छा, अब वो इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग सबसे पहले, अगर हम लोग ने इस तरह के आइकन्स लेकर आने हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह के आइकन्स हम लोग ने बनाने हैं, तो इसको हम बनाने नहीं बैठेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सिमिलर, मैं इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को। पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। सर कलर सेम हो, लोगों के कलर को डार्क कर दें और सेम कलर हो, वो ही लाइट रख सकते हैं बाकी डिजाइन्स के लिए। बिल्कुल आप रख सकते हैं अगर वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो आपस में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए जो लोगों के कलर्स हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं। आप नोटिस करेंगे लोगों के अंदर एक और कलर भी है, थोड़ा सा डार्क हमने पर्पल यूज किया था फॉर बेसिकली द फॉन्ट। तो आप ये वाला कलर इधर लेकर आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, इसके लिए आप ये वाला कलर रख सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि वो आपके लोगों के कलर्स के अंदर ही फॉल करता हो। तो आइकन्स, मैं आइकन्स का बता रहा था कि ये जो आइकन्स हैं हम लोग किस तरह बना सकते हैं, किस तरह हम लोग ये बने बनाए भी ले सकते हैं, उसकी वेबसाइट में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा था। जिस तरह फ्री पिक है हमारे पास, ठीक है, इट्स अ फ्री वेक्टर वेबसाइट, ऑलराइट, ठीक है, फ्री पिक हमारे पास पॉपुलर हो चुकी है। इसी तरह आइकन्स के लिए हमारे पास फ्लैट आइकन के नाम से एक वेबसाइट है, जहां पे ये नाम है इसका फ्लैट आइकन, बिल्कुल फ्रीपिक की तरह है, आप देख सकते हैं। यहां पर सिर्फ आप लोगों को जो है आइकन्स के सेट्स मिलते हैं बने बनाए, और आप आइकन्स फॉर एग्जांपल यहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट के। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे यहाँ पर किस किस का आइकन चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, मैप पिन, इसको हम कहेंगे फोन, इसको हम कहेंगे मैसेज, इसको हम कहेंगे वाईफाई या जो भी आप कहना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने सर्च किया मैप पिन, यहाँ पर आपका सर्च में आ गया, आप इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल मैप पिन्स नजर आ रही हैं। आप फॉर एग्जाम्पल जिसके नीचे क्राउन बना हुआ है, दैट मीन्स के मैं बताता हूं,
फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर आप लोगों को ये फ्लैट आइकन नजर आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों को ये मल्टीपल पिंस यहाँ पे क्राउन बना हुआ है, दैट मीन्स कि ये पेड है, बाकी सारे फ्री हैं। तो आप किसी भी आइकन को, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये आइकन पसंद आया, मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, पीएनजी और एसवीजी के, और यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है मैं कौन सा वाला इसका वर्जन डाउनलोड करना चाहता हूँ। ठीक है, देखें आपके पास ये तीन वर्जन उन्होंने दिए हैं, ये वर्जन नहीं है, ये सजेस्टेड, ये सिर्फ रैंडम इमेजेस हैं यहाँ से यहाँ तक, और ये उसके अलावा वो कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अगर ये भी शायद पसंद आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल ये आइकन अच्छा है, ये घर भी बना हुआ है और जिससे थोड़ा सा एड्रेस का भी वो पता लग रहा है। अब एसवीजी और पीएनजी, पीएनजी तो आपका वेक्टर फॉर्मेट आइकन नहीं होगा, लेकिन एसवीजी एक आपको मैंने बताया था कि वेक्टर फॉर्मेट जो है वो ये आपका है एसवीजी, एक वेक्टर फॉर्मेट होता है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे और फ्री डाउनलोड पे क्लिक करना है, प्रीमियम पे नहीं, तो आपका ये एसवीजी बेसिकली जो है ना ऐड हो जाएगा, यानी डाउनलोड हो जाएगा। आपने सिर्फ इसको सिंपली क्या करना है, इसको ड्रैग करना है और सेंटर में ड्रॉप कर दें या इधर ड्रॉप कर दें, ये आपका न्यू बेसिकली विंडो में जो है ना ये एसवीजी ओपन हो जाएगा, एंड नाउ यू कैन यूज दिस आइकन एज अ वेक्टर। आप इसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। अब इसका मैं ब्लू कलर नहीं रख सकता, मैं इसका पर्पल ही कलर रखूंगा बिकॉज यही थीम चल रही है। तो अब इसके आगे मैं अपनी डिटेल्स वगैरह लिखूंगा। इसी तरह मैं सारा आइकन लेकर आता हूँ, एक मैसेज का आइकन था, या ईमेल का आइकन भी कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, ये आइकन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ी सी वेबसाइट आजकल जो है ना स्लो हुई हुई है फ्लैट आइकन की, इनकी या तो सर्वर्स में मसला है। अच्छा, ये देखें ड्रैग करके या तो बीच में आप फेंक दें या इधर फेंक दें, पहले मैंने इधर फेंका था, अब मैं बीच में फेंकता हूँ, तब भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन हो जाएगा। अब इसको लाएं इधर, यहाँ पर प्लेस करें, यू हैव टू मेक श्योर कि ये इस आइकन के साइज के आर पर आसपास हो, यानी तो आप इसको थोड़ा सा जरा एडजस्ट कर सकते हैं। ये आइकन्स को जो है किस तरह, फॉर एग्जांपल के सेम साइजेस हो, ये आप देख सकते हैं, यानी यहां से विड्थ और हाइट को थोड़ा सा मेजर कर सकते हैं, लेकिन हर आइकन की विड्थ और हाइट थोड़ी सी डिफरेंट होगी बिकॉज ये इस तरह ये वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप गाइड्स ले आए और आप देख लेंगे किस तरह आप लोग को बेहतर जो है ना एडजस्टेबिलिटी मिल रही है। एक चीज याद रखनी है कि आपने जब इसको एडजस्ट करना है तो इस तरह नहीं करना, इस तरह प्लीज नहीं करना स्ट्रेच, आपने हमेशा शिफ्ट एंड ऑल्ट दबा के करना है एवरी टाइम, आप अपने आइकन्स को या किसी भी डिजाइन को स्ट्रेच नहीं करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल कॉन्टेक्ट का था, तो कॉन्टेक्ट का मैं फॉर एग्जांपल फोन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से मुझे ये आइकन मिल गया। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा ये जो एक लाइन हमने बनाई है
इसके अंदर रहते हुए ही बिल्कुल एक्यूरेट भी नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक इस तरह ये लाइन बना लें जिसके अंदर आपको आइडिया हो कि मैंने अपने आइकन्स को इसी लाइन के या तो अंदर रखना है या क्लोज टू दिस रखना है, से आपकी जो साइजिंग है वो थोड़ी सी मैनेज हो जाती है आइकन्स की। इतनी आपके पास आइकन्स आ गए, अब आप आगे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले शुरू करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या हम लोग ने इसमें डालनी है। सबसे पहले हम लोगों ने अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने यहां पर अपना नेम लिख लिया। ठीक है, उसके नीचे मैंने लिख लिया अपना मैं क्या हूं, मैं डायरेक्टर हूं या ट्रेनर हूं, जो भी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के फॉन्ट साइजेस क्या होने चाहिए। हम ये लिख लें, फिर मैं आप लोगों को इसके फॉन्ट साइजेस बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोफेशन लिखना है। ठीक है, नाम लिख लिया, उसके बाद आप लोगों ने अपना प्रोफेशन लिखना है। इसकी आप लोगों ने थोड़ी सी हायरार्की अगर क्रिएट कर लें तो दैट इज गुड, यानी नाम को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें, बोल्ड कर लें, प्रोफेशन को आप थोड़ा छोटा कर लें, और इसके जो है आप जो फॉन्ट है उसको थोड़ा सा स्लिम कर लें, तो नाउ इट्स लुकिंग मच बेटर, यानी स्मॉलर इन साइज एंड स्मिलर स्लिमर, और ये बोल्डर इन साइज और इसका साइज ज्यादा है। आपको जब पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले नाम नजर आ रहा है, नाम के बाद आप देख रहे हो कि अच्छा इसका प्रोफेशन क्या है, ये ट्रेनर है। ठीक है, उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन आती है जो कि आप लोग नीचे पोस्ट करेंगे, जिसमें आपका नंबर वगैरह आएगा, आपका एड्रेस आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टेंट होम्स सियालकोट फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एड्रेस ऐड कर दिया। उसके अलावा हमने अपना ईमेल ऐड कर दिया, द अम्ब्रेला @gmail.com। ठीक है, हमने अपने फोन नंबर्स ऐड कर दिया। ठीक हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इस वाली गाइड्स को। गाइड्स को डिलीट करने का तरीका सिंपली क्या है, आप गाइड्स को इस तरह सेलेक्ट करें, ये इस तरह सेलेक्ट हो जाएंगी, बैकस्पेस करेंगे तो डिलीट हो जाएंगे। तो गाइस अब फॉर एग्जांपल वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो डिजाइन्स हैं ये मार्जिन के अंदर रहें, बिल्कुल मार्जिन के अंदर हैं। आप इसको इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा इसके दरम्यान स्पेसिंग देनी है इन सारे डिजाइन्स को, इस तरह। ठीक है, ये आपका लोगो आ गया, ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई। इसके दौरान आप लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि फॉर एग्जांपल पता लगे कि देर इज अ सेपरेशन गोइंग ऑन। तो आप ग्रे कलर दे दें, लाइक जो भी आपको बेहतर कलर लग रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, ये फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, ये फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज। सबसे पहले बिफोर वी मूव टूवर्ड, चले फॉन्ट साइज पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो लोगो साइज है उसका कोई ऐसा साइज नहीं है। ठीक है, वो आपका लोगो जो आपने बनाया है वही आप लोगो उठाकर इधर ले आएंगे और एडजस्ट करेंगे। आपका लोगो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपके फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड में इतना बड़ा लोगो आपका हो। आपका लोगो बहुत चुनना सा छोटा सा भी नहीं होना चाहिए कि आपका नजर ही नहीं आ रहा है, दरमियाना साइज होना चाहिए जिसमें आपका लोगो नजर आए, नंबर वन चीज। नंबर सेकंड चीज ये है कि आपके ये जो बिजनेस नेम है, सॉरी बिजनेस नेम कह रहा हूँ, आपको जो अपना नेम है,
जो आप लोग ने लिखना है उसका साइज क्या हो सकता है? उसका साइज 8, ठीक है, ये आप लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, लेकिन जो इसका साइज यानी जो आपके फुल नेम जो आपका शो होगा, बिकॉज आपका नेम सबसे पहले शो होना चाहिए, लोगों के बाद आपके नेम शो होना चाहिए, आपके बंदे को पता लगे अच्छा ये कार्ड किस बंदे का है। तो आपका नेम जो है वो 8 पॉइंट, ठीक है, 8 पॉइंट से 10 पॉइंट तक हो सकता है, क्योंकि कुछ फॉन्ट्स होते हैं वो छोटे साइज के एक्चुअली में होते हैं, तो आपका ये 8 से 10 पॉइंट्स तक हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना रख रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन रिक्वायरमेंट, नंबर वन चीज। मेरे लिए यहाँ पे 8 सूट कर रहा तो मैंने यहाँ 8 सिलेक्ट कर लिया, एक चीज तो ये होगी। नंबर सेकंड आपका जो है प्रोफेशन आ गया, ये 6 पॉइंट से 8 पॉइंट तक आप इसको लेके जा सकते हैं, 6 पॉइंट से 8 पॉइंट तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। उसके बाद आपकी डिटेल्स आ गई, ठीक है, डिटेल्स आपकी 5 पॉइंट से 8 पॉइंट तक जा सकती है, ठीक है, आपकी जो डिटेल्स हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स ये 5 पॉइंट से 8 पॉइंट तक जा सकती हैं। यहां पर मैंने इन तीनों चारों को 6 रखा हुआ है जो कि मुझे सूटेबल लग रही है, ठीक है। तो ये फॉन्ट्स आप लोग ने थोड़े से जहन में रखने हैं कि आपका जो नेम है उसका फॉन्ट साइज कहाँ से कहां तक हो सकता है, जो आपका प्रोफेशन है उसका फॉन्ट साइज कहाँ से कहां तक हो सकता है, जो आपका फॉर एग्जांपल जो डिटेल्स हैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं उनका जो फॉन्ट है वो किस साइज से किस साइज तक हो सकता है। अभी क्वेश्चन आया था कि भाई कि हम लोग ये बैकग्राउंड डिजाइन क्यों एंड एंड तक बना रहे हैं, जो आपका बैकग्राउंड डिजाइन है वो इसलिए एंड तक बनेगा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने डिजाइन बनाया हुआ है, अब जब ये ब्लीड बनेगा तो ये पर्पल कलर भी साथ में प्रिंट होगा, बिकॉज यहाँ पे देखें परफेक्ट एक्चुअल में जो प्रिंट होगा वो इस तरह होगा, ठीक है, वो इस तरह दिखेगा, वहां से कट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि जो ये एक्स्ट्रा एरिया प्रिंट होना है वो भी फिर पर्पल कलर का हो, ताकि ये कटिंग जो है वो आसान हो जाए। कटिंग देखें जहां से जहां पे जो डिजाइन जा रहा है उधर से ब्लीड एरिया वही वाला प्रिंट हो तो क्या वो अच्छा नहीं है? उससे क्या होगा कि बेसिकली आपकी जब कटिंग होगी तो आपको बेसिकली फायदा होगा, यानी आपके एजेस जो हैं वाइट नहीं होंगे, उसी कलर के होंगे। फॉर एग्जांपल ये पर्पल है, यहां से चल रहा है, यहां से चल रहा है और इधर तक है, तो जब ये प्रिंट होगा तो यहां से जब कट होगा तो ये पर्पल कलर ही कट होगा ना, यानी जब कटिंग होगी तो एजेस पर्पल कलर के ही आएंगे, किसी और कलर के नहीं आएंगे। तो गाइज ये था आपका ओवरऑल बिजनेस कार्ड डिजाइन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसमें मार्जिन्स क्या होती हैं, इसमें ब्लीड्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा, उसके अलावा हमने फॉन्ट्स को हमने देखा। फॉन्ट एक क्वेश्चन है कि जी इसमें फॉन्ट्स कौन से यूज होते हैं, बिजनेस कार्ड में फॉन्ट्स इंतहाई सिंपल जिस तरह हमने मिनिमलिस्ट लोगों में फॉन्ट्स इस्तेमाल किए ना, उस तरह के हम लोगों ने इसमें फॉन्ट्स इस्तेमाल करने, इंतहाई सिंपल इंतहाई मिनिमलिस्टिक, हम इस तरह के फॉन्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी से देख लें ये फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया फंकी सा, ये फॉन्ट इस्तेमाल कर लिया, नो, ये वाला फॉन्ट जो मैंने फॉन्ट यूज किया ये आप कुछ सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं, अगर तो आपका ब्रांड जो है इंतहाई फेमिनिन है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। इस तरह का फॉन्ट आपने यूज कर लिया, नो, हाईली हाईली डिस्करेज्ड। इस तरह का फंकी फॉन्ट, इंतहाई सिंपल आपने जो फॉन्ट्स जो कि आप जब द फॉन्ट में जाते हैं जो आपको ये बेसिक कैटेगरी में सैन सेरिफ सेरिफ मिलते हैं, इस कैटेगरी वाले इस कैटेगरी अंदर जो आपके सिंपलिस्टिक फॉन्ट्स जिस तरह रोबोटो है, लुई जॉर्ज कैफे है, कैवियर ड्रीम्स हैं, सिंपल फॉर्म शैम्पेन लेमोजिन्स हैं, जो इंतहाई सिंपलिस्टिक फॉन्ट्स होते हैं उनको आप लोग ने यूज करना है। मैं आप लोग के साथ फॉन्ट्स की लिस्ट शेयर करूंगा फ्री, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप बिजनेस कार्ड्स में ज्यादा से ज्यादा यूज करें, जिस तरह ये सिंपल सा फॉन्ट है, ये वाले फॉन्ट्स इसमें चलते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टू सी के क्या हमारी हर चीज अलाइंड है कि नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्या इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, क्या इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने तो मैन्युअली रखा, फॉर एग्जाम्पल आपसे इधर एक हो गया, एक इधर हो गया, तो अब ये मसला ये कि दीज आर नॉट बेसिकली इक्वली डिस्टेंस. तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना अलाइन टूल का काफी ज्यादा रोल आने वाला है. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये आपका अलाइन टूल है. हम लोग ने अलाइन टूल बेसिकली एक सिंपली सीखा था कि आप यहाँ से अलाइन टू सेंट्रल, अलाइन टू वर्टिकल कर सकते हैं. लेकिन आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, आप कहते हैं कि मैंने इन तीन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल रखनी है, तो आप लोगों के पास अलाइन ऑब्जेक्ट्स में ना एक डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन भी है, जिससे क्या होता है कि आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेसिंग अलाइनमेंट है वो इक्वल रख सकते हैं, ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जाम्पल ये इधर पड़ा है, मैं इनके दरमियान, तीनों के दरमियान इक्वल डिस्टेंस करना चाह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट देम, ठीक है, और आई वॉन्ट प्रेस हेयर. मैं ये वाले ऑप्शन नहीं यूज कर, बिकॉज हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है. मैंने आप लोगों को बताया था मैं ये वाले ऑप्शन बाद में आपको बताऊंगा. अभी हमारी ऑप्शन हैं ये वाले, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट इस तरह करता है कि उनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल हो जाए. सो यहां से ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां से ये ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का. ये आइकन्स किस तरह पड़े हुए हैं, यहाँ पर वर्टिकली पड़े हुए ना, ऊपर से नीचे. तो यहां से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सिलेक्ट करता हूं तो आप देखिएगा कि ये हुआ. नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहां से अलाइन टू आर्टबोर्ड था, तो ये आर्टबोर्ड के मुताबिक वर्टिकली बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. दिस इज रॉन्ग. कंट्रोल जी करता हूं. नेक्स्ट हमने बेसिकली करना क्या था, इसको सिलेक्ट करें आप, और यहां से अलाइन टू का बेसिकली आउटपुट के बजाय अलाइन टू सिलेक्शन करें, बिकॉज हमने इनके दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूशन करनी है. तो हमेशा आप लोगों ने अलाइन टू सिलेक्शन रखना है. और अब डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल करेंगे तो अब देखिएगा ये बिल्कुल इनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो अब बैलेंस आउट हो गया है, वो इक्वली अलाइंड हो गया है. एंड दिस इज बेसिकली हाउ यू, अगर आपके इस तरह फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस कार्ड की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो इस तरह चार पांच आइकन होते हैं, चार पांच टेक्स्ट होते हैं, उनके दरमियान आप लोग ने इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली जो है ना क्या कहते हैं उसको डिवाइड करना होता है, इक्वली अलाइन करना होता है. तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं. वंस यू हैव डन दैट, तो फिर आप अपने फॉन्ट्स को बेसिकली फॉन्ट्स को भी कर सकते हैं इस तरह. फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके इनको आप इक्वली अलाइन कर लें, लेकिन फॉन्ट्स को पहले आपस में इनके अलाइन कर लें. और फिर फॉन्ट्स को आपस में देख लें कि आपस में ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सही. नाउ दिस इज मच बेटर, ठीक है. उसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो भी आप फॉन्ट लिखेंगे वो इस तरह ये सीध में होने चाहिए. तो आप ये गाइडलाइन से जो है ना यहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल फॉन्ट्स आपके सीधे हैं कि नहीं. आप इस तरह बैलेंस आउट कर लेंगे और अब आपका बेसिकली जो है बिजनेस कार्ड जो है वो डिजाइन हो चुका है. और बाद में यस आप इसको ये कर सकते हैं कि मजीद सेंट्रलाइज आर्टबोर्ड के हिसाब से देखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि क्या ये लोगो सेंट्रली अलाइंड है आर्टबोर्ड के. तो यहां से आप अलाइन में जाएंगे, अलाइन टू आर्टबोर्ड, और फिर सेंट्रली तो नहीं करेंगे इसको, वर्टिकली देख लेंगे. वर्टिकली अलाइन नहीं था तो इसको हमने वर्टिकली अलाइन कर दिया. और इन सारों को भी हम ग्रुप कर सकते हैं और फिर इसको भी वर्टिकली अलाइन इस तरह कर सकते हैं. पहले आपस में चीजों को अलाइन कर लेना, फिर सबको ग्रुप करके उसको आर्टबोर्ड के हिसाब से अलाइन कर लेना. ये तो हो गया आपका फ्रंट डिजाइन. अगर बैक डिजाइन की तरफ जाएंगे तो बैक डिजाइन में सिंपली अक्सर औकात सिर्फ आपका लोगो आता है,
या लोगों का सिर्फ सिंबल आता है? आप इस कलर में भी रख सकते हैं या आप सफेद कलर में भी रख सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी व्हाइट और ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हैं क्योंकि न्यूट्रल कलर्स हैं। तो आप इसको फॉर एग्जांपल, क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है तो आप अब लोगों को यहाँ पर आकर व्हाइट कर दें, अगर बैकग्राउंड लाइट होता तो आप हो सकता है लोगों को यहाँ पर आकर डार्क कर देते। और बैकग्राउंड पे अक्सर औकात सिर्फ वेबसाइट मेंशन होती है, वो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब ये आपका बेसिकली ओवरऑल जो है ना बिजनेस कार्ड डिजाइन बन चुका है। दिस इज द फ्रंट डिजाइन, दिस इज द बैक डिजाइन। हमने सारे कंपोनेंट्स देखे कि फ्रंट डिजाइन में यानी बैकग्राउंड डिजाइन क्या होता है, फोरग्राउंड डिजाइन क्या होता है। उसके अलावा हम लोगों ने लोगो प्लेसमेंट, हम लोगों ने कंपोनेंट्स को यानी फोरग्राउंड के कॉन्टेक्ट डिटेल्स को डिस्कस किया कि क्या क्या चीजें इसमें आएंगी, उनके साइजेस, फॉन्ट साइजेस को हमने डिस्कस किया, बैकग्राउंड ऑफ द बिजनेस कार्ड को हमने डिस्कस किया कि उसमें सिर्फ लोगो आता है और उसमें आपकी वेबसाइट नीचे आती है, ज्यादातर इसी तरह के ही होते हैं। तो वंस यू हैव बेसिकली, अब आपने ये डिजाइन बना लिया तो नेक्स्ट आपका टास्क ये होता है। अब ऑब्वियसली मैं आप लोग को जो आगे जो है ना इसको मॉकअप पे डालना सिखाऊंगा, जिस तरह ये था। इस तरह ये आपको दिखते हैं, ये तो आप अपने फाइवर की इमेजेस पे लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, इस तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं ताकि आप लोगों को। जी इस पे मैं जरा बात करता हूं कि लोगों का फॉन्ट फॉर एग्जांपल आप देखें, लोगों का फॉन्ट तो आपने स्टाइलिश बना लिया लेकिन आप बिजनेस कार्ड का फॉन्ट सिंपल ही रखेंगे क्योंकि लोगो तो पहले से बन के आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आपको देता है कि भाई ये मेरा लोगो है, मुझे इसका बिजनेस कार्ड बना दो, उसके लोगो में जो भी फॉन्ट उसने शुरू से यूज किया हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं ये फॉन्ट आपका चेंज कर रहा हूँ। उसके लोगो का फॉन्ट अनप्रोफेशनल हो सकता है लेकिन हमने बिजनेस कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो हमने सिंपल फॉन्ट में ही रखनी होती है ताकि जो पढ़ने वाला है उसकी आंखें घूमती ना रहे बस देखकर। सो अब जो ये वाला है, ये तो हम लोगों ने सिंपली अपने फाइवर गिग्स के लिए लगानी है जो कि प्रिंटेबल नहीं होगी, डिजिटली हम लोगों ने सेव करना है। तो ये वाला तरीका इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कल गाइड करूंगा कि ये आप लोग ने किस तरह बनाना है। तो अगर आपने प्रिंटेबल फाइल जो प्रिंटर को देनी है आगे, जो कि प्रिंटिंग के लिए जानी है, जो कि आपकी वेक्टर फॉर्मेट फाइल्स हैं, वो किस तरह आप लोगों ने भेजनी है? एक तो आप इसको फॉर एग्जाम्पल आप इसको यानी AI फाइल इसकी सेव कर लें, ठीक है, नंबर वन, ये आप अपने प्रिंटर को देंगे। नंबर सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप उसको PDF फाइल देंगे, PDF फाइल देंगे। और PDF फाइल में आप फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इन दो आर्टबोर्ड्स को सिर्फ सेव करना चाह रहा हूँ, इसको सेव नहीं करना चाह रहा, ठीक है, इन दो को सेव करना चाह रहा हूँ, इसको नहीं सेव करना चाह रहा। दिस इज आर्टबोर्ड नंबर वन, दिस इज आर्टबोर्ड नंबर टू, दिस इज आर्टबोर्ड नंबर थ्री। ओके, सो जब मैं सेव करता हूं तो मैं यहां से ऑल भी सिलेक्ट कर सकता हूं या रेंज में जाकर मैं वन से टू सिलेक्ट कर लेता हूं तो सिर्फ ये सेव होंगे। सेव, ओके। अच्छा एक मिनट, PDF में सेव करने के लिए, एक मिनट, PDF में ये आपने ओके कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपके पास ये वाले ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आपने छेड़ना। आप मार्क्स एंड ब्लीड्स पे जाएंगे, बस मेक श्योर कीजिएगा कि ये वाली आपकी ऑप्शन सिलेक्टेड हो, इधर मार्क्स एंड ब्लीड्स में थर्ड वाला ऑप्शन में आप लोगों ने जाना है। यू हैव टू मेक श्योर कि ये वाली ऑप्शन आपकी सिलेक्टेड हो क्योंकि अगर ये वाली ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं होगी तो ये जो ब्लीड आपने एक्स्ट्रा एड की है प्रिंटर के पास जब फाइल जाएगी तो उसको ब्लीड नजर ही नहीं आएगी, ठीक है।
उसके अलावा आप इसकी ईपीएस फाइल सेव कर सकते हैं, ये आपकी सारी वेक्टर फाइल्स इसकी सेव हो रही हैं जो हमने क्लाइंट को भेजनी है, कुछ भी नहीं करना है, इसको आप सेव कर लें। और इसके अलावा आप इसकी एसवीजी फाइल भी सेव कर सकते हैं, द क्लाइंट रिक्वायर्स, तो आप एसवीजी फाइल भी उसको भेज सकते हैं, ये आपकी एसवीजी है। उसके अलावा आप इसकी जब जेपेग लेंगे उतारेंगे तो ये बहुत छोटी उतरेगी, ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज ये बहुत छोटा साइज है, ओनली 252 पिक्सल्स बन रहा है हाइट और 144 पिक्सल्स बन रहा है विड्थ। तो इसके अगर आप जेपेग भेजना चाह रहे हैं क्लाइंट को तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आपका ये जेपेग बेसिकली आप जब इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल आप इसको जब सेव कर रहे हैं तो आप यहां से बेसिकली व्हाट यू गाइस कैन डू इज यू कैन गो टू एक्सपोर्ट, बल्कि एक मिनट, अच्छा इसमें आप लोगों के पास वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है पुराना इलस्ट्रेटर है, चलें ये आप कर सकते हो कि जब आप सेव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इसको फाइल को सेव फॉर वेब कर रहे हो, अब ये बहुत छोटे पिक्सल्स हैं, आप यहां से पिक्सल्स बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल 2000 कर दें, अब देखें आपके बेसिकली इमेज का साइज बड़ा हो गया, तो आप क्लाइंट को इस तरह भेज सकते हैं, ठीक है अब आपका साइज 2000 × 1143 हो गया, Now you can send this design to him. ठीक है, और ये अब छोटा भी नहीं लग रहा, ब्लरी भी नहीं लग रहा है, नाउ यू कैन सेंड दिस टू हिम। और अगर आप पीडीएफ डिजाइन अपना देखना चाह रहे हैं, पीडीएफ फाइल अगर देखना चाह रहे हो तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको इस तरह की पीडीएफ फाइल दिख रही है जो कि क्लाइंट प्रिंटिंग मशीन के अंदर डालेगा इस तरह। इसमें देखें आपको ब्लीड वाला एरिया एडिट नजर आ रहा है, इस तरह का आपका बिजनेस कार्ड प्रिंट हुआ है, यानी प्रिंट होगा, इस तरह का डिजाइन हुआ है, एंड यू कैन सी। तो गाइस दिस वाज द कंप्लीट बेसिकली लेक्चर ऑन, इसका यार यूट्यूब ट्यूटोरियल देख लो, सिंपल सी चीज है, जस्ट सर्च हाउ टू अपलोड ऑन ड्रॉपबॉक्स। सर अगर दोनों साइड पर लिखा हो फिर बैकग्राउंड कलर क्या रखेंगे और डिफरेंट और शेड डिफरेंट दे सकते हैं, आपका क्वेश्चन वैलिड है लेकिन दोनों साइड पे लिखते नहीं है हम, बैकग्राउंड साइड पे हम लोग कम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ज्यादातर वेब डिजाइन हम लोग फ्रंट पे ही रखते हैं, तो आप बिल्कुल एक ही कलर शेड में रह के थोड़ा सा डिफरेंट शेड ऑफ कलर दे सकते हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल विद इट, आप ज्यादा कलरफुल नहीं जा सकते इसमें, जितने लिमिटेड कलर्स हों उतना बेहतर है, क्योंकि प्रिंट होना होता है, तो जब प्रिंट होना होता है तो आपके जितने कम कलर शेड्स होंगे उतनी कम कलर कॉस्ट होंगे, उतनी कम आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट होंगे। आर्टबोर्ड के कलर किस तरह ऐड किया था, इट्स वेरी सिंपल, आप सिर्फ शेप टूल से, आपने बेसिकली आर्टबोर्ड है आपका, आपने शेप टूल लेना है रेक्टेंगल, और आपने क्लिक करके बेसिकली ऊपर शेप बनानी है, दैट्स इट, ये आपका कलर ऐड हो गया। यहां तक कोई आप लोगों का जो है क्वेश्चन हो, आइकन्स का देखें कोई डेफिनेटिव साइज नहीं है गाइज, आप लोगों ने खुद ही अपने अंदाजे से जो है साइज रखना है, तो डेफिनेटिव साइज नहीं है, हाँ जो आपका फॉन्ट साइज है जो मैंने आप लोगों को बताया है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने आइकन के साइज क्या रखें। फॉर एग्जांपल ये 6 फॉन्ट है तो 6 फॉन्ट के हिसाब से ये आइकन साइज भी ठीक लग रहा है, इससे थोड़ा छोटा भी कर दूंगा तो दैट इज फाइन, इतना भी कर दूंगा तो अब भी ठीक लग रहा, थोड़ा सा जरा बड़ा कर लेता है, ये इस पे पूरा आ रहा है, इसको भी थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, यानी आप फिर इस तरह ये गाइड्स ले आए और इसको भी फिर आप उस हिसाब से थोड़ा छोटा कर दें, और इसको भी,
तो ये बेसिकली आपको आइडिया देता है कि आप आइकन का साइज क्या रखेंगे। वेट कर लें, अभी मैं जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड मैं आंसर्स दे दूं आपका, भी मैंने पढ़ लिया है क्वेश्चन, मैं देता हूं उसका आंसर। थोड़ा सा वेट सबर कर लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, कहीं नहीं जाता मैं, आप लोग यहाँ से डिसार्ट हो जाते हैं जल्दी। पेन टूल का सिंपली ये है कि आप अगर एंकर खत्म करना चाह रही हैं तो आप सिंपली इस तरह पेन टूल बना रही होती हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल इस तरह आपने बनाया है तो आपका अगला हैंडल आपने खत्म करना है, तो सिंपली आप इस पे एंकर पे क्लिक करते हैं तो आपका अगला हैंडल खत्म हो जाता है। गिग में आप जेपीजी फॉर्मेट में पिक्स अपलोड करेंगे, ठीक बहुत पुराने टॉपिक्स के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप लोग, किधर थे पहले सब। इससे बिजनेस कार्ड से रिलेटेड कोई और सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया प्लीज फील फ्री टू आस्क। मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूं, मैं अभी इसी तरफ ही आना है, बस ये टॉपिक खत्म हो जाए तो उसी तरफ ही आऊंगा मैं। क्विकली अगर कोई क्वेश्चन सवाल कोई पूछना चाह रहा है तो प्लीज दे के ना आस्क। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन संभाल के यूज करना है, बहुत ज्यादा कलरफुल ग्रेडियंट ना यूज करें आप लोग ताकि आपकी कॉस्ट ज्यादा ना आए। जी मैं कर दूंगा, क्विकली प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं, हम आगे फॉरवर्ड करें। चलें अगर आप लोग के क्वेश्चन नहीं है इससे रिलेटेड तो आई जस्ट मूव फॉरवर्ड। और क्विकली पहले इसको हम फाइवर पर देख लेते हैं, ठीक है। बिजनेस कार्ड डिजाइन, जब मैंने बिजनेस कार्ड लिखा तो क्या क्या आ रहा है, बिजनेस कार्ड डिजाइन, लग्जरी बिजनेस कार्ड, डिजिटल बिजनेस कार्ड, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिजाइन, मिनिमल बिजनेस कार्ड, यूनिक बिजनेस कार्ड। तो आई जस्ट सर्च बिजनेस कार्ड डिजाइन, और यहां से अब आप देखें इसकी भी गिग आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी गिग को भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि इसमें लाइक लोग किस तरह के टाइटल्स, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज आप लोगों ने जो है जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस बताया है कि इससे रिलेटेड एग्जैक्टली कौन से टैग ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो अब मैंने ये सर्च किया तो इससे रिलेटेड मुझे ये टैग्स ऊपर नजर आ रहे हैं, यूनिक बिजनेस कार्ड, लग्जरी बिजनेस कार्ड, मॉडर्न बिजनेस कार्ड, मिनिमल है, क्रिएटिव है, कस्टम है, एलिगेंट है, ये टैग सबसे ज्यादा इसके साथ यूज हो रहे हैं। उसके अलावा आप देख भी सकते हैं कि लोगों ने कौन से यूज किए हुए, लग्जरी बिजनेस, लग्जरी बिजनेस, ठीक है, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड काफी ज्यादा टैग मुझे यूज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, कम से कम 6 दफा, 6, 7, 8। कस्टम बिजनेस कार्ड, तो ये जितने भी टैग्स हैं ये बिजनेस कार्ड से रिलेटेड काफी ज्यादा मतलब चलते हुए टैग्स हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ देखिए प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड टॉप पे आ रहा है, लग्जरी है, मिनिमलिस्ट बिजनेस कार्ड भी एक चल रहा है, तो
तो आप इस तरह यहाँ से सबसे पहले तो आप कीवर्ड से टैग्स देखेंगे, ठीक है, कि कौन से ज्यादा सर्च हो रहे हैं, फिर सजेस्टेड में आकर देखेंगे, फिर लोगों के देखेंगे कि क्या उन्होंने टाइटल्स में वही टैग रखे हुए हैं कि नहीं, फिर आप लोगों की प्रोफाइल ओपन करें। ठीक है, तो यहां पर आप लोग इनके टैग्स देख सकते हैं, बिजनेस कार्ड, मॉडर्न, आउटस्टैंडिंग, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ये एक टैग है जो काफी ज्यादा इसके साथ यूज होता है। बेसिकली कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा। बेसिकली कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है पूरे बिजनेस का जो डिजाइन होता है, लोगो से लेकर, बिजनेस कार्ड से लेकर, टी शर्ट डिजाइन से लेकर, ऑफिस में इनवॉइस डिजाइन से लेकर, लेटर हेड डिजाइन से लेकर, ईच एंड एवरी उसका ऑफिस का बिलबोर्ड डिजाइन, उसका मग डिजाइन, उसका पेन डिजाइन, उसका ऑफिस में जो भी प्रिंटिंग डिजाइन हो रहा है, कुछ भी है, ईच एंड एवरी थिंग जो डिजाइन होती है उसको हम कहते हैं पूरे कॉरपोरेट की आइडेंटिटी। यानी कॉरपोरेट आइडेंटिटी यानी बिजनेस आइडेंटिटी, वो उसकी पूरी एक आइडेंटिटी बनती है, उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट आइडेंटिटी। उसके बारे में इंशाल्लाह हम जो है सारे आइटम्स साथ साथ जो पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में ये आइटम्स होते हैं। सो ये इसके साथ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, आप देख सकते हैं इसकी वैलिडिटी, आप इसको सर्च करें, आप देखें जब आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी देख रहे हैं तो लोग क्या बेच रहे हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के नाम पर। यहाँ पर बिजनेस कार्ड भी बेच रहे हैं, यहाँ पर भी बिजनेस कार्ड बेच रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इस कॉर्पोरेट आइडेंटिटी के टैग पे कितने लोग बिजनेस कार्ड बेच रहे हैं, तो इस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टैग, आप उसकी वैलिडिटी इस तरह चेक कर सकते हैं। तो एक चीज ये देख ले कि इसमें सर्विसेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आप इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लें। फॉर एग्जाम्पल मिनिमल बिजनेस कार्ड देखें, उसमें अब 8,000 सर्विसेज हैं, ठीक है, इसी तरह लग्जरी बिजनेस कार्ड देखें, उसमें 9,000 सर्विसेज, ये देखें आपका ग्रेडियंट यूज हुआ है, लग्जरी स्टाइल यूज कर सकते हैं बट सेंसिबली आपने यूज करना। तो ये कुछ टैग्स हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इस पे आपने वही रिसर्च मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले आपने कीवर्ड सर्च वाले कीवर्ड सर्च करना है, फिर सजेस्टेड कीवर्ड सर्च करना है, फिर टाइटल्स को सर्च करना है, फिर आप इसमें उनमें रेपिटेशन देखनी है कि उसमें रेपिटेशन किन कीवर्ड्स की हो रही है, आपने उन कीवर्ड्स के बेसिस पे अपना टाइटल लिखना है, टाइटल लिखने के बाद उसके पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनाने हैं, पेयर ऑफ कीवर्ड्स बनाने के बाद उनकी वैलिडिटी टेस्ट करनी है, और वैलिडिटी टेस्ट करने के बाद फिर आप आगे जाएंगे प्राइसिंग में, डिस्क्रिप्शन में, उसके अपने जो टैग्स रखने हैं वो आपने डिफरेंट सेलर्स के टैग्स देखने हैं, उनके रेपिटेशन उसमें देखनी है, और फिर उसमें से बेस्ट जो है 5 टैग्स रखने हैं आप लोगों ने। अच्छा, आप लोगों से कितने लोग हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया था ये वाला, एक मिनट, जो मैंने आप लोगों के साथ डॉक्यूमेंट शेयर किया था ये वाला, कितने लोग हैं जिन्होंने इसको डिटेल में पढ़ा, जरा हाथ खड़ा करें, कितने लोग हैं जिन्होंने इसको डिटेल में पढ़ा है और उनको समझ आई, अच्छा वाकई दिस इज व्हाट गिग सर्च इज, यानी सेपरेशन ऑफ कीवर्ड्स, ये क्या है कीवर्ड सेग्रीगेशन, प्राइसिंग क्या है, इंट्रो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन का किस तरह लिखा था, मेन बॉडी किस तरह लिखनी है, इसने ये डिटेल में पढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, अलग डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है, आपने पढ़ा है, समझ भी आई है या उससे गुजर गई है।
समझ आई है बट नीड टाइम. ओके, बट आप में से किसी ने आज तक इसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा मुझसे कि सर ये आपने क्या लिख दिया इस डॉक्यूमेंट में, हमें तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा. समझ आइए. ओके जी, सारा प्रोसेस है अगर आप देखें. सबसे पहले सर्च ऑफ कीवर्ड्स जो कि यहां पर आता है, जब आप बिजनेस कार्ड लिख रहे हैं यहां पर कौन से कीवर्ड आ रहे हैं हमने वो टाइप कर लेना. फिर आप जब अपना मेन कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल ये है, तो अक्सर औकात इधर सजेस्टेड में कीवर्ड्स कुछ आते हैं. आई डोंट नो अभी क्यों नहीं आ रहे, या आपने सेलेक्ट किया मेन कीवर्ड, ये सजेस्टेड में आपके पास कुछ कीवर्ड आते हैं, आप इनको अपने पास कॉपी कर लेते हैं यहां पर. फिर आप मल्टीपल सेलर्स के टाइटल्स को कॉपी कर लेते हैं इधर इस तरह. फिर आप उनमें सेग्रीगेशन देखते हैं कीवर्ड्स की, के फॉर एग्जांपल किसने कौन सा कीवर्ड, एक्चुअल सर्विस का कितना उन्होंने कीवर्ड मेंशन किया हुआ है, किया हुआ है इंडस्ट्री का किया हुआ है, यानी हमने कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड किया था कितने किस्म के होते हैं. अब वो हमने देखना है कि फॉर एग्जाम्पल लोगों ने कितने किस्म के कौन कितनी दफा यूज किए हैं, लेकिन मेन चीज हमने देखनी है कौन से कीवर्ड रिपीट हो रहे हैं. टाइटल में भी, सजेस्टेड में भी, यहां पर भी, उस हिसाब से हम लोग अपना बेसिकली एक टाइटल रख लेंगे. ठीक है, और इस तरह आप लोगों ने सर्च करनी है बेसिकली. ऑल राइट, ठीक हो गया, ठीक हो गया. चले, दैट इज गुड, आई एम ग्लैड आप लोगों को समझ आ गया. मैं कल मैं पूछ लूं ताकि आप लोगों को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो. जब भी आप लोगों ने गिग बनानी है आप लोगों ने इसी प्रोसीजर को बार बार फॉलो करना है. तो आप लोगों का जो है ना एक गिग जब बनेगी ना तो आप लोग की मेहनत रायगा नहीं जाएगी. सर हम अपनी डिफरेंट गिग्स को ऑर्डर अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मतलब नंबर वन पे कौन सी, नंबर वन पे, नंबर टू पे कौन सी, नहीं ऑर्डर तो आपका नहीं होता, मतलब एक गिग अभी बनाई है तो एक गिग आगे बनाएंगे तो वो फ्रेश होगी और पुरानी पीछे वाली पुरानी हो जाएगी इस तरह. अच्छा गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था प्रपोजल राइटिंग के बारे में, और मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा कल. इसको मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पर, प्रपोजल राइटिंग बेसिक. अच्छा, आप लोगों ने फाइवर पर, यहाँ पर आप लोग जब जाओगे, मैं यहाँ पर जाता हूँ फाइवर पर, तो जब आप अपनी गिग बना लोगे तो यहाँ पर ना आप लोगों को इस तरह नजर आएगा, डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स, एनालिटिक्स, अर्निंग्स, कम्युनिटी, मोर. मोर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको शो करता है बायर रिक्वेस्ट. ये बायर रिक्वेस्ट का जो सेक्शन है, जब आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक्टिव नजर आएगा और यहाँ पर सेंट ऑफर्स. एक्टिव में बेसिकली आप लोगों को ना रिक्वेस्ट नजर आएगी इस तरह की, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. बायर रिक्वेस्ट फाइवर लेआउट इसका क्या होता है,
इस तरह ना आपको ये एक्टिव नजर आएगा ग्रीन रंग का, और इसकी इसको जरा इमेज को मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह बेसिकली आपको यहाँ पे एक्टिव नजर आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑफर सेंट। अब ऑफर सेंट में बेसिकली आपको वो नजर आती है जो आपने ऑफर भेज दी हुई है। यहाँ पे एक्टिव आपको वो नजर आ रही है जो कि अभी अपलोड की है दूसरे बायर्स ने जिनको कोई काम चाहिए। तो यहाँ पर बायर का नेम आता है, यहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जाम्पल कि आई नीड अ राइटर दैट कैन राइट अ चैप्टर फॉर किंडल बुक। इसी तरह आता है आई नीड अ लोगो डिजाइनर हु कैन डिजाइन अ लोगो फॉर माई रियल इस्टेट कंपनी। आगे नजर आता है आपको कि कितनी ऑफर्स उसको भेजी जा चुकी हैं, कितने और लोगों ने उसको ऑफर्स भेज दी हैं, और उसके आगे आपको नजर आता है कि कितने दिन का ये टाइम चाह रहा है, यानी यहाँ पे ड्यूरेशन आ रही होती है, और यहाँ पे बजट आ रहा होता है कि इसका बजट कितना है। बेसिकली इस तरह के लोगों से, फॉर एग्जाम्पल वो एक बंदा कह रहा है कि हेल्प मी राइट अ स्वीट एंड वार्म री इंगेजिंग ईमेल इंक्लूड अ स्वीट। यानी यहाँ पर बायर आता है और वो ना एक जॉब रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता है, उस जॉब रिक्वेस्ट पर मल्टीपल सेलर्स जो हैं वो इस तरह आके चिपक जाते हैं, मीटू कर लेते हैं उनको, और वो जो है बेसिकली जिस तरह कोई जॉब अप्लाई जॉब इश्तहार लगता है जॉब का, तो उस पर सारे अप्लाई करने बैठ जाते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल बड़ी कंपनी है, कोको कोला है, नेस्ले है, वो अगर अपनी जॉब्स ओपनिंग करें तो लोग वहां पर अप्लाई करने चले जाते हैं। तो इस तरह जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, अपनी सीवी देते हैं, अपना कवर लेटर लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पर जॉब छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स की अपलोड होती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी होती हैं, आप उस पर अप्लाई करते हो और आप फिर इसके जरिए प्रोजेक्ट जीतते हैं। ये एक अलग तरीका है काम करने का। एक तो तरीका ये हो गया ना कि आपने गिग बना ली, एक गिग बनाकर आपने छोड़ दी, गिग रैंक हो रही है साथ साथ, और आपको खुद ही बायर आपके पास चल के आ गया और आपको ऑर्डर दे दिया। यहाँ पर ये कि बायर ने एक रिक्वेस्ट पोस्ट किया, आप खुद बायर के पास आप खुद चल के गए और आपने एक प्रपोजल लिखा और उसके बेसिस पे बायर ने आपको ऑर्डर दिया। तो दीज आर टू डिफरेंट सिनेरियोज। तो आज जो प्रपोजल राइटिंग है बेसिकली उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक इंट्रो देना चाह रहा था कि प्रपोजल राइटिंग एक ऐसी राइटिंग होती है, या ऐसा यानी प्रपोजल एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोग बायर्स को जो उनकी जॉब रिक्वेस्ट होती है उसमें कन्विंस करते हैं कि आप लोग बेसिकली क्यों इस जॉब के लिए बेस्ट फिट है। व्हाई आर यू बेस्ट फिट फॉर दिस जॉब, व्हाई डू यू डिजर्व टू गेट दिस प्रोजेक्ट। यानी उसमें हम लोग फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, अगर किसी बायर ने कहा कि अच्छा आई नीड अ लोगो दैट कैन रिफ्लेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउसेस एंड बेयर, यानी बेयर हाउसेस के नाम से, यानी बेयर होम्स के नाम से उसका फॉर एग्जाम्पल बिजनेस नेम है, और वो कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई लोगो चाहिए जो बेयर और हाउस दोनों का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट कर सके और मिनिमलिस्टिक हो। बड़ा सिंपल से इसका हम लोग दे सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के हाई माई नेम इज सैफ एंड आई एम अ मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइनर फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स, आई हैव रेड योर रिक्वेस्ट। उसमें मैं उसे बताऊंगा कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पढ़ी है कि आपको एक ऐसा लोगो चाहिए जिसमें आप बेयर और होम्स दोनों का कॉन्सेप्ट दिखा सके। सो आई हैव एन आइडिया कि हम लोग अगर एक बेयर लें और उसके अंदर से होम का वेक्टर जो है नेगेटिव स्पेस करें, तो उस तरीके से हम लोग दोनों का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका लोगो मिनिमल भी होना चाहिए तो हम उसको इस तरीके से मिनिमल भी रख सकते हैं। बेसिकली 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 देखें, हमने बताना क्या है प्रपोजल राइटिंग में कि हम लोग आपके इस प्रोजेक्ट में वैल्यू किस तरह ऐड कर सकते हैं, कि हम आपका ये प्रोजेक्ट किस तरह कर कर देंगे। हमने सिर्फ ये नहीं बताना ओ हो आई एम अ मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइनर, मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, लुक एट माय पोर्टफोलियो एंड प्लीज हायर मी। नो, बेसिकली हम लोगों ने टिपिकल जो है ना नेचर से बाहर निकलना, हम लोगों ने जो भी प्रपोजल लिखना है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखना है। हम लोगों ने कोई प्रपोजल ऐसे नहीं कि आप लोगों ने एक कवर लेटर रखा है, अब हर कंपनी में वही कवर लेटर वही सीवी भेजी जा रहे हैं भेजी जा रहे हैं, क्या होता है रिजेक्ट होती है, बिन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप कई आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं और आप वर्डप्रेस डेवलपर भी हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर भी हैं और आप फॉर एग्जाम्पल कुरान भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आप किसी एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर आपने एज ए कुरान ट्रेनर लगना है कहीं पे, एक बड़ी जगह, तो आप वहां पर ये तो नहीं लिखेंगे मैं बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर हूँ सीवी में, आप सिर्फ वो लिखना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे जो आपका कुरानिक एक्सपीरियंस, या कोई आपने ट्रेनिंग ली हुई है कहीं, आप अपने मेंटरशिप दी हुई है, तो वो वाला एक्सपीरियंस आप मेंशन करेंगे।
मैं आप लोग को ये दो डिफरेंट यानी स्किल्स जो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं अगर डेली लाइफ में, तो आप जहां पे भी जॉब अप्लाई करते हैं उस हिसाब से सीवी बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी ऐसी कि जो रिक्वेस्ट आती है उस हिसाब से हम प्रपोजल लिखते हैं, और उस प्रपोजल में बेसिकली हम लोग यही बताते हैं कि किस तरह हम आपका काम कर सकते हैं, और उस काम का आपकी कंपनी को या आपके जो भी फॉर एग्जांपल वेबसाइट है जिसके लिए भी वो काम करा रहे हैं उसको क्या फायदा होगा, बेसिकली हम उनको इसमें कन्विंस करते हैं। सो दिस इज बेसिकली प्रपोजल राइटिंग, और ये प्रपोजल राइटिंग आपके फाइवर पर भी होती है, फ्रीलांसर पर भी होगी, उसके अलावा आपकी पीपल पर आवर जो हम आगे पढ़ेंगे उस पर भी होगी, उसके अलावा अपवर्क पर भी होगी। तो ये प्रपोजल राइटिंग का इंट्रो है जो कि मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। अच्छा, ये जो आपका था ना सादिया क्वेश्चन कि अपनी मर्जी से ऑर्डर्स लेना, देखें अपनी मर्जी अगर तो आप बायर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं किसी को, तो फिर उसमें आप अपनी मर्जी से कोई गिग अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी दो गिग्स हैं तो आपने एक गिग अटैच कर दी रेलिवेंट, लेकिन अगर बायर ने खुद आपको ऑर्डर कर दिया आपसे पूछे बगैर तो फिर आपकी मर्जी नहीं है। हाँ वो वीक में चेंज कर देता हूँ, वीक चेंज कर देता हूँ, आई गेस मैंने 6 लिख दिया गलती से। तो गाइज ये प्रपोजल राइटिंग का इंट्रोडक्शन है, इंशाल्लाह इसकी क्लास हम कल डिटेल में लेंगे कि प्रपोजल राइटिंग हम लोग किस तरह करेंगे और प्रपोजल राइटिंग हम किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे हम कर सकते हैं, इसका बड़ा डिटेल में हम कल लेक्चर लेने वाले हैं। खैर अब आज आप लोग की एक और स्किल में इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज ऑफ बिजनेस कार्ड। हम लोग फॉर एग्जाम्पल लोगो डिजाइन के हम लोग सैम्पल्स के बारे में देख चुके हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जहाँ से आप लोग डिजाइन इंस्पिरेशन जो है वो देख सकते हैं। और जिस तरह फॉर एग्जाम्पल वेक्टर वेबसाइट्स की अगर बात करूँ तो वेक्टर वेबसाइट्स फ्री पिक है आप लोगों के पास, वेक्टीजी है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा कुछ वेबसाइट्स है जहाँ पर कॉन्टेस्ट लिए जाते हैं, जिस तरह 99 डिजाइन एक वेबसाइट है, ठीक है 99 डिजाइन आप लोगों के पास एक वेबसाइट है, ठीक है यहाँ पर आप यहाँ पर लिखे 99 डिजाइन कॉन्टेस्ट, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ना ये जो पहला लिंक है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पर दुनिया के सबसे बड़े डिजाइन कॉन्टेस्ट हेल्ड किए जाते हैं। यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पर आएंगे डिजाइन कॉन्टेस्ट ये बैनर है, यहाँ पर आप लोग को मल्टीपल कॉन्टेस्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है नीचे तक मैं लेके जाता हूँ। ये आपको मल्टीपल कॉन्टेस्ट नजर आ रहे हैं और ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि ये 19,500 तक जो है ना ये कॉन्टेस्ट यहाँ पर अपलोडेड हैं। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने इंस्पिरेशन लेनी है कॉन्टेस्ट से, फॉर एग्जाम्पल डिजाइन इंस्पिरेशन लेनी है कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि लोग किस तरह के डिजाइन बना रहे हैं, किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के लेआउट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल कैटेगरीज है, ऑल कैटेगरीज में हम लोग यहाँ से हमने अभी तक जो चीज पढ़ी वो लोगो एंड आइडेंटिटी, मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस कार्ड वगैरह ये आइडेंटिटी का हिस्सा होता है, तो लोगो एंड आइडेंटिटी पे आपने क्लिक करना है। सब कैटेगरीज में आपने सिर्फ लोगो डिजाइन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे अब आ जाएगा ऑल इंडस्ट्रीज। बेसिकली आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी इंडस्ट्री का लोगो सर्च करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी का सर्च करना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे जितने भी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी के जो कॉन्टेस्ट हेल्ड हो चुके हैं मुझे सिर्फ उसके लोगोस नजर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल शो फिल्टर्स अगर आप करेंगे तो आपको ये वाले कीवर्ड्स ऐड करने की इजाजत होगी। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कॉस्मेटिक्स हो सिर्फ लिपस्टिक, तो आपको सिर्फ वो लोगोस कॉस्मेटिक्स के अंदर नजर आएंगे जो कि लिपस्टिक से ब्रांड से रिलेटेड हो, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको सर्च करता हूं, ये है विनर लोगो, ये है जो एंट्रीज उसमें और दी गई हैं,
आप यहाँ से बेसिकली डिजाइन इंस्पिरेशंस ले सकते हैं कि लोग, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप आए इस कॉन्टेस्ट को जब आप ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी भी कॉन्टेस्ट को आप ओपन कर लें, ये वाला कॉन्टेस्ट आपने ओपन कर दिया, ये विनर लोगो आ गया आपका और यहाँ पे आ गई ब्रीफ आपकी, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट भी होती है, हम पढ़ चुके हैं डिजाइन रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर आपकी ब्रीफ आ गई। अब इधर आप ब्रीफ पढ़ें जरा इसकी। सबसे पहले उसने बताया कि स्लोगन क्या है, उसने बताया किस इंडस्ट्री से रिलेटेड, कौन सी इंडस्ट्री है मेरी, उसने डिजाइन इंस्पिरेशन बताया कि मुझे किस तरह के डिजाइन अच्छे लगते हैं, देखिए उसने इमेजेस अपलोड की हुई है, नंबर चीज ये होगी, एक चीज ये होगी। उसके बाद उसने अबाउट अस यानी अपना बैकग्राउंड बताया कि हम लोग क्या है, वी आर अ लिपस्टिक मैन्युफैक्चरर दैट क्रिएट्स कलर कॉस्मेटिक फॉर प्रोफेशनल वुमेन। फिर उसने अपनी कलर इंस्पिरेशन बताई कि उसको कलर्स कौन से अच्छे लगते हैं, इवन शेड्स के साथ। फिर उसने ये चीज बताई जो मैंने आप लोग को याद होगा, आप लोग को कहा था कि फॉर एग्जांपल हम लोग बाहर से पूछ सकते हैं कि उसको लोगो जो चाहिए वो कितना मॉडर्न चाहिए या कितना क्लासिक चाहिए, कितना एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल। एब्स्ट्रैक्ट और लिटरल, लिटरल मींस पिक्टोरियल, पिक्टोरियल हमने पढ़ा था ना, याद होगा आपको, एब्स्ट्रैक्ट और पिक्टोरियल, कितना उसको एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल चाहिए, कितना उसको पिक्टोरियल स्टाइल चाहिए। अब उसने देखें ज्यादा बार जो है एब्स्ट्रैक्ट की तरफ किया है और ज्यादा बार क्लासिक की तरफ किया है, दैट मींस कि ही इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड दीज थिंग्स देन दीज थिंग्स। फिर मेच्योर और यूथफुल में उसने मेच्योर की तरफ थोड़ा सा बार किया हुआ है, फेमिनिन और मैस्कुलिन में उसने फुल मैस्कुलिन की, मैस्कुलिन के बजाय फेमिनिन की तरफ बार किया हुआ है, प्लेफुल और सोफिस्टिकेटेड के दरमियान उसने बिल्कुल सेंटर में उसको रखा हुआ है, वो कहता है इसमें मेरी कोई राय नहीं है। इकोनॉमिकल और लग्जरियस में उसने जो है बेसिकली उसने भी सेंटर पर रखा, उसने भी कहा कि उसकी कोई दो राय नहीं है उसमें। और ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक, ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक लोगोस ये होते हैं जो कि थोड़े से राउंडी होते हैं, जो कि थोड़े से राउंडेड होते हैं, ज्योमेट्रिक लोगोस वो होते हैं जो थोड़े से पॉइंटी होते हैं, यानी इस तरह। इस तरह के पॉइंटी होते हैं थोड़े से, यानी उनकी पॉइंटी नेचर होती है। अब आपको ये बेसिकली सारा जो है ना, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बायर्स किस तरह की बेसिकली जो है ब्रीफ देंगे जब आपको, जब ऑर्डर आएगा फॉर एग्जांपल, या जब आपको कोई भी क्यूरी आएगी तो वो इस तरह आपसे आपकी ब्रीफ का आंसर कर सकते हैं। और आप भी बायर से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स में आप यहाँ पे देखें, जो मैंने आप लोगों को सारी रिक्वायरमेंट्स बताती हूँ यहाँ पर हैं। आपको मैंने बताया था कि आप उससे उसकी इंडस्ट्री पूछ सकते हैं, डिजाइन इंस्पिरेशन पूछ सकते हैं, आप उसका स्लोगन भी उससे पूछ सकते हैं, आप उससे अबाउट अस यानी उसका बिजनेस बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, कलर ब्रीफ आपने पूछनी है, उसके अलावा ये डिजाइन स्टाइल्स आप उससे पूछ सकते हैं कि उसको एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, पिक्टोरियल यानी लिटरल चाहिए, क्लासिक चाहिए, मॉडर्न चाहिए, मैच्योर चाहिए, और सारे आप ब्रीफ उससे पूछ सकते हैं ताकि आप क्या कहते हैं उसे डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन ले लें। अदर नोट्स में उसने लिखा हुआ, आई लव रोज गोल्ड एंड कॉपर, आई लाइक शाइनी एंड लग्जरियस बट अंडरस्टेटेड एंड टेस्टफुल, उसने साइड नोट दिया है। और ये जो है विनर डिजाइन है और ये जो है लूजर डिजाइन है। आप लूजर डिजाइन के डिजाइन से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि बेसिकली किस तरह उन्होंने डिजाइन बनाया है, और आप अपना भी, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर प्रैक्टिस करनी है ना सैंपल्स में, तो आप लोग पता है क्या करें, आप लोग ये 99 डिजाइन के कॉन्टेस्ट में आए, ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्टेस्ट ओपन करें, इधर उस कॉन्टेस्ट की ब्रीफ पढ़े, और आप अपना इन सैंपल्स को देखकर, इन सारे सैंपल्स को देखकर अपना एक सैंपल बना लें, इसी ब्रांड का या ब्रांड का नाम चेंज कर लें, लेकिन आपको ब्रीफ तो मिल गई है ना। क्योंकि मसला ये होता है जब आप सैंपल्स बनाने बैठते हैं तो आपको ये नहीं समझ आता कि हम किस चीज का बनाए, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पर ब्रीफ अवेलेबल है फ्री में, आप उन ब्रीफ्स का फायदा उठाएं, आप उन ब्रीफ्स को देखते हुए अपना एक सैंपल बनाएं, ब्रांड नेम आप कोई और रख लें, और आप सैंपल्स इनको देखते हुए बनाएं, आपके पास सैंपल्स भी आगे अवेलेबल हैं, इन चार पांच को रखें, चार पांच के आइडियाज को मर्ज करें और अपना सैंपल बनाएं, जो मैंने आपको मैनिपुलेशन की जो टेक्निक्स बताई थी उसके थ्रू। तो गाइस इस तरह बेसिकली आप लोग ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स की जो है ना, इसकी भी मैं इंशाल्लाह पूरी क्लास लूंगा जिसमें मैं आप लोग को मजीद वेबसाइट्स बताऊंगा जहां से आप लोग सैंपल्स की इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन ये 19 डिजाइन के मैंने इसलिए बताया है
क्योंकि ये आप लोगों को अभी से जो है ना आप लोग के सैंपल मेकिंग के लिए बेस आपकी बन जाएगी, ताकि आप लोग को ब्रीफ्स का इश्यू ना हो, यानी रिक्वायरमेंट्स जो आपको समझ नहीं आती कि भाई हम कौन सी रिक्वायरमेंट का लोगो बनाएं, किस चीज का सैंपल बनाएं, तो आपके पास यहाँ पे कॉन्टेस्ट की बनी बनाई ब्रीफ्स पड़ी हुई है, आप उनको आके एक्सप्लोर करें और उस बेसिस पे आप अपने सैंपल्स बनाएं। सर अगर हमारी सिग्नेचर की गिग बनी हुई हो, हम बायर्स रिक्वेस्ट बिजनेस कार्ड वाले को कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसमें हमारे चांसेस कम होते हैं, बिकॉज वो उन्हीं को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनकी बिजनेस कार्ड की गिग भी बनी हुई हो। पता है इस तरह चलता है कि अगर तो वो आपको मैसेज पर रिस्पॉन्स करें, यानी मैसेज आपको कर दे कि भाई मैंने आपकी गिग डिस्क्रिप्शन देखी है, यानी आपका प्रपोजल देखा है, मुझे काफी अच्छा लगा है, तो मैं वो उसको रिस्पॉन्ड करता। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, कोई भी किसी की कोई क्यूरी हो मुझे कमेंट्स में मुझे टैग कर दे, मैं उसका आंसर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से कल होती है मुलाकात, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास बिकॉज इट्स ओवर टाइम नाउ, सो इंशाल्लाह विल मीट टुमारो। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फ्रीलांसर का अकाउंट आप लोगों ने कंप्लीट करना है, जिनको जो इशू आ रहा है वो प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, मैंने वीडियो शेयर की थी उसके अकाउंट कंप्लीट करने की, वो आप लोगों ने अपना अकाउंट कल तक वो भी कंप्लीट करना है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़।